So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to the week two of Flutter course offered by Antonex. इस वीक का जो हमारा गोल है वो स्टिल हमने थोड़ा बहुत यूआई में थोड़ा और काम करना है ताकि हमारा जो यूआई के जो स्किल्स है ना उस पर तो हम थोड़ी बहुत डिस्कशन कर सकें चीज़ों पर और डिफरेंट टाइप के यूआईज हम बनाने की कोशिश करेंगे इस सेशन में. सो लास्ट सेशन में हमने कुछ बेसिक यूआईज बनाए थे जो अभी तक हमारे सेशंस हुए हैं. अभी इस सेशन में हम थोड़ा बहुत XD को यूज करेंगे कि XD से आपने फ्लटर में कैसे कन्वर्ट करना है अपना UI. By conversion, I don't mean कि आप डायरेक्टली आपका सारा UI कन्वर्ट हो जाए, but XD से एक्चुअली आपने डिजाइन कैसे बनाना है, जो एक्चुअल पैरामीटर्स हैं उसको यूज करते हुए, एंड उसके साथ साथ जो जो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल UI हम किस तरह बना सकते हैं, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव UI जो कि मल्टीपल स्क्रीन पे आसानी से काम कर सकता हो, तो उसमें हम फ्लेक्सिबल यूज करेंगे. एक्सपेंडेड का एक विजेट है वो यूज करेंगे, एंड साथ साथ थोड़ा सा हम फ्लटर के जो फॉर्म्स हैं, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, इन पे काम करेंगे. साथ साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो राउटिंग एंड नेविगेशन है, तो राउटिंग एंड नेविगेशन पर भी हम काम करेंगे. जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं इस वीक के लिए जिस पे हम काम करेंगे, उसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एक कैलकुलेटर ऐप बनाना है. सो दिस इज द कैलकुलेटर ऐप हम यूज कर रहे हैं. XD डिजाइन ऑफ मैंसूर मिक्योरे. सो ये जो डिजाइन हैं आप जस्ट टेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं, बट एक्चुअली प्रोडक्शन के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये किसी और के डिजाइन हैं. सो दैट्स व्हाई ओनली वी आर यूजिंग ओनली फॉर लाइक प्रैक्टिस पर्पस इन दिस कोर्स एज वेल. सो इसी तरह आपके पास जो बिहांस का जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको बहुत सारे UIs मिल सकते हैं, आप प्रैक्टिस के लिए उसको यूज कर सकते हैं. सो अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल डिजाइन में हमारे पास क्या होता है, डिजाइन में जो डिजाइन के एक्चुअल जो स्पेक्स हैं, मतलब आपके पास फॉन्ट्स कौन कौन से डिजाइन में यूज हुए हैं, आपके साथ कलर्स कौन कौन से यूज हुए हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल उन चीजों को देखना जरूरी होता है और अपने साथ उसको अभी करेंगे इस पे काम. सो इसमें हमारे पास जो फॉन्ट्स यूज हुए हैं उसमें हमारे पास एक एवेनियर नेक्स्ट सीयर है एंड SF प्रो डिस्प्ले है. इसमें हमारे पास जो कलर्स यूज हुए हैं ये डिफरेंट कलर कोड्स हैं इसके. इसी तरह मतलब अगर आप कहीं से डिजाइन उठाते हैं तो यहाँ पर आपको टाइपोग्राफी भी इसकी मिल जाती है. अच्छा, अब हर एक डिजाइन में नहीं, ये नहीं होती, बस डिजाइन में जो किसी ने अपलोड किए होते हैं वहां पर आपको मिलेंगे, बस डिजाइन नहीं होती, बट एनी हाउ this is how you can get to topography and colors as well. सही. इसके साथ साथ हमारा जो next project एक होगा, इसमें हम ये पूरा complete UI नहीं बनाएंगे, हम just ये एक splash screen इसमें बनाएंगे and उसके साथ साथ हम ये calculator का जो complete UI है ये just ये जो dark theme है इसमें हम just ये dark theme बनाएंगे. सही है. मल्टीपल थीम्स पे राइट नाउ अभी हम काम नहीं करेंगे. अगर प्रोजेक्ट में किसी टाइम पे मौका मिला तो जो हम एक सिंगल ऐप के लिए जो डिफरेंट थीम्स यूज करते हैं तो फिर हम उन पे काम कर सकते हैं, बट राइट नाउ अभी हम उस पे काम नहीं करेंगे. राइट नाउ जस्ट हम इस डार्क थीम पे ही काम करेंगे. सो दिस इज वन ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी डूइंग दिस वीक. जो हमारा जो सेकेंड प्रोजेक्ट है इस वीक में, एक्चुअली ये जो कोर्स है ये कुछ इस तरह मैंने पर्सनली डिजाइन किया हुआ है कि ये हम साथ में टॉपिक्स भी डिस्कस कर रहे हो और साथ में हम प्रोजेक्ट्स भी काम कर रहे हो, तो आपको जब रियल लाइफ सिनेरियोस मिल रहे होते हैं तो जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो हमारा फिर इंप्रूव होता है, वो चीजें हमें याद रह पाती है. सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द प्रोजेक्ट बेस्ड प्रोसेस फॉर टीचिंग ऑल द कंटेंट्स वी आर हैविंग ओवर हियर. सो जो हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा वो हम एक दूसरा एप्लीकेशन है ये बनाएंगे. दिस इज व्हाट आई एक्चुअली कॉल्ड स्टूडेंट कनेक्ट और CSE कनेक्ट. सो ये भी एक एप्लीकेशन है जो हमने पर्सनली एक डिजाइन किया हुआ है, तो मैं उसी का UI यहाँ पे यूज करूंगा. सो ये किसी और का UI नहीं है. सो दिस इज the UI of Antonex. सो अच्छा, तो इसमें हमारे पास जस्ट ये एक स्प्लैश स्क्रीन होगा एंड उसके बाद हमने ये एक लॉगिन का UI बनाना है. दिस इज अ बिट सोफिस्टिकेटेड लॉगिन UI. सो दैट्स व्हाई आई सेलेक्टेड दिस वन, कि इसमें थोड़ा सा डिजाइन का काम हो ताकि हम प्रॉपरली चीजों को डिस्कस कर सकें डिजाइन में भी. एंड उसके बाद हम ये रजिस्टर का एक UI बनाएंगे एंड देन आफ्टर दैट हम ये प्रोफाइल स्क्रीन बनाएंगे इसमें.
सही है। ये जो बॉटम ऐप बार है राइट नाउ हमारे गोल्स में नहीं है इस वीक के लिए, बट एनी हाउ अगर टाइम मिला तो उसको भी बनाने की कोशिश करेंगे। बट एनी हाउ हमारा जो इस वीक का मेन गोल है वो ये यूआई बनाना है। सो आई होप सो इसमें हम काफी इंशाल्लाह प्रैक्टिस होगी हमारी, स्पेशली लॉग इन जो हमारे पास जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं, टेक फॉर्म फील्ड हैं, फ्लटर फॉर्म्स हैं, उसमें जो वैलिडेशन की चीजें हैं वो हम साथ साथ में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो दिस इज हाउ वी आर गोना गो अहेड दिस वीक। सो स्टार्टिंग विद दिस वन, हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट सेशन के लिए इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। सही है। सो इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा बहुत आपको XD इंट्रोड्यूस करवा दूं कि XD Adobe XD जो है वो हमारे पास किस लिए यूज होता है। सो Adobe XD इज अ टूल बाय Adobe जो कि हम वायर फ्रेमिंग के लिए यूज करते हैं। वायर फ्रेम का मतलब ये है कि आप किसी भी एप्लीकेशन के लिए कोई ऐप डिजाइन करते हैं, सो उसका एक एप्लीकेशन आप जब बनाते हैं तो उसका प्रोसेस ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिजाइनर होता है, डिजाइनर आपके लिए ये UI बनाता है। सही है। लेट मी इंट्रोड्यूस ओवर हियर। सो दिस इज Adobe XD, ये एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, सो इसी को हम यूज करेंगे आज। सो डिजाइनर का काम ये होता है कि वो आपका UI आपको बना देता है। UI UX डिजाइनर जो होते हैं वो आपका कंप्लीट UI UX सेटअप कर देते हैं, मतलब आपको इस टाइप का एक डिजाइन मिल जाता है। सही है। फिर जो डेवलपर होता है, मोबाइल ऐप डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर जो है, उसका काम ये होता है कि इस UI को वो एक एक्चुअल एप्लीकेशन में बना दें। सही है। सो दिस इज अ डिजाइन प्रोवाइडेड बाय वन ऑफ आवर डिजाइनर हियर एट Antonex। सो वो ये डिजाइन आपको बना के दे देता है। सही है। अब डेवलपर का काम ये है कि इस UI को हम कन्वर्ट करें उसमें एक एक्चुअल डिजाइन में। सही है। ऐप के लिए सो दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन वी बी डूइंग। उसके बाद हमने लॉगिन स्क्रीन बनाना है, उसके बाद हमने ये रजिस्टर का स्क्रीन बनाना है, एंड आफ्टर दैट वी आर गोना डू दिस प्रोफाइल स्क्रीन। सही है। जो बाकी UI है वो हम नहीं बनाएंगे, सो वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन दिस UI। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट स्टेप है वो आपको समझना है XD को, कि आपने यहाँ से किस तरह पैरामीटर्स वगैरह आप यहाँ से किस तरह उठा सकते हैं। सही। अच्छा, जिस तरह आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम कि किसी भी जब आपको XD डिजाइन मिलता है तो आपको सारे उसके सारे पैरामीटर्स मिल जाते हैं आपको। लेट्स सपोज उसका हाइट एंड विड्थ है वो भी मिल जाता है, वो आपको फॉन्ट भी मिल जाता है कि कौन सा फॉन्ट यहाँ पर यूज हुआ है। उसके साथ साथ आपको मतलब जो डिजाइन से रिलेटेड जो पैरामीटर्स आपको चाहिए होते हैं वो सारे आपको Adobe XD से मिल जाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास हमने ये स्क्रीन बनाना है, सो दिस इज अ स्क्रीन। सही है। अच्छा, उसके बाद हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमने ये डिजाइन बनाना है। सही है। अब ये जब डिजाइन है हमारे पास तो यहाँ पर हमारे पास ये देखें, यहाँ पर हाइट एंड विड्थ इसकी मेंशन है, ये हाइट है और ये हमारे पास इसकी विड्थ है। सही है। लेट्स सपोज अगर आपने ये देखना है, ये टेक्स्ट जो यूज हुआ है इसमें, ये टेक्स्ट। सही है। तो आप थोड़ा सा डबल टैप करेंगे इस पे, तो यहाँ पर आपके पास डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप ये कर्सर नजर आ जाएगा। सही है। जब आप इस कर्सर पे आएंगे तो यहाँ पर आपके पास उसकी फॉन्ट फैमिली भी आ रही है। इसकी फॉन्ट फैमिली कौन सी है, पॉपिंस है। इसका फॉन्ट साइज हमारे पास जो है ना 40 है। इसकी जो फॉन्ट वेट है हमारे पास वो बोल्ड है। अब इसका आपने कलर देखना है तो आपको यहाँ पर कलर भी मिल जाता है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये कलर कोड भी यहाँ से मिल जाता है। सो ये सारे पैरामीटर्स अभी हम यहाँ से उठाकर हम एक्चुअली वहां पर दोबारा से डिजाइन करेंगे इसको। सही। तो उसमें जो फॉन्ट फैमिली यूज हुई है वो हमारे पास है पॉपिंस, एंड कौन सी है इसमें पॉपिंस, पॉपिन बोल्ड है। सही। सो दिस इज पॉपिंस एंड बोल्ड। सही है। अच्छा, दूसरा हमारे पास ये जो दूसरा ये जो फॉन्ट है ये आप देख लें तो ये भी हमारे पास एक्चुअली फॉन्ट हमारे पास वही पॉपिंस फॉन्ट है, एंड फॉन्ट साइज हमारे पास 40 है, एंड जो फॉन्ट वेट है वो हमारे पास रेगुलर है। सो यहाँ से आपको ये सारे स्पेक्स मिल जाते हैं। अब इसका आपने कलर देखना है कि इसका कलर कौन सा है तो आपको कलर यहाँ से मिल जाता है। सही। अच्छा, अब इस UI के लिए ये पूरा एक ये CSE कनेक्ट का जो हमने बनाना है इसको मैं CSE कनेक्ट के बजाय राइट नाउ मैं कर देता हूँ, इसको मैं स्टूडेंट कनेक्ट कर देता हूँ। स्टूडेंट कनेक्ट सही नहीं आ रहा, बट एनी हाउ लेट्स डू इट लाइक मैं इसको CSE कनेक्ट के बजाय इसको मैं कर देता हूँ
एंड ऑन एक्स कनेक्ट चलें सीसी कनेक्ट ही सही था. सो सो दिस इज सीसी कनेक्ट जो आपके हमने बनाना है अभी. अच्छा ये तो आपको आइडिया हो गया है कि ये चीज अभी हमने बनाना है. सो द नेक्स्ट स्टेप इज उसके बाद हमने ये हमारे पास जो स्क्रीन है ये एक तो ये पूरा डिजाइन हमने बनाना है. तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने ये यूआई बनाना ये जो टेक्स्ट है ये डिजाइन करना है. तो इसके भी आपको ये सारे पैरामीटर्स यहाँ से मिल जाता है. ये देखें पॉपिंस है 14 साइज है इसका एंड रेगुलर है. सो ये थोड़ा बहुत आपको बताना था कि यहाँ से आपको ये सारे पैरामीटर्स मिल जाते हैं. तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमें ये पैरामीटर्स कहाँ से मिलेंगे और कलर्स हम कहाँ से उठाएंगे. सो लास्ट डिजाइन में हमने वो कुछ डमी कलर्स यूज किए थे. बट राइट नाउ इस डिजाइन में हम कोई भी कलर डमी यूज नहीं करेंगे. हम एक्चुअल साइज एंड एक्चुअल डिजाइन यूज करेंगे ताकि हमारे पास पिक्सल परफेक्ट डिजाइन बने. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एप्लीकेशन. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी delete this app. Okay, so actually this is a production quality app we are having right now. But let me redesign the same application. So first of all, हमारा जो first step है वो एक project create करना है. तो first of all एक project create करते हैं. हम किस folder में थे? Flutter batch 2. So cd Flutter batch 2. ओके, सो यहाँ पर हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है सीएसई कनेक्ट का. बट उसको मैं नाम दूंगा स्टूडेंट कनेक्ट. सही तो फ्लटर क्रिएट स्टूडेंट अंडरस्कोर कनेक्ट. ओके सो हमारा एप्लीकेशन रेडी है. एप्लीकेशन बन चुका है. सो हम यहाँ से एप्लीकेशन ओपन करते हैं. स्टार्ट एंड एग्जिस्टिंग एंड्रॉइड स्टूडियो एप्लीकेशन ओपन एंड एग्जिस्टिंग एंड्रॉइड स्टूडियो एप्लीकेशन. ओके सो गिट बैक टू स्टूडेंट कनेक्ट. सो ये हमारा वो एप्लीकेशन है जो अभी हमने क्रिएट किया है. सही तो जब आप फर्स्ट एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं फर्स्ट एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं फ्लटर का तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो एक ऑटोमेटिकली एक काउंटर का एप्लीकेशन आपके पास यहाँ पर क्रिएट हो जाता है बॉयलर प्लेट में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं हम ये एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं उसको रिमूव कर देते हैं. सही है ओके और जैसे मैं ये फॉर टाइमिंग एनालिसिस चल रहा है ये जब एनालिसिस कंप्लीट हो जाए देन इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर. ओके इसको हम देते हैं माय ऐप है ना. सही तो ये हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल प्रोजेक्ट है एंड यहाँ पर हम मेंशन करते हैं मटेरियल ऐप से ही स्टार्ट करेंगे. यहाँ पर टाइटल एंड टाइटल हम देते हैं स्टूडेंट कनेक्ट एंड यहाँ पर हमारे पास होम क्या होगा. होम अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया. सो राइट नाउ हम होम में क्या करते हैं कंटेनर ही डाल देते हैं फॉर टाइमिंग जस्ट उसके लिए. सो ये हमारा जस्ट एक इनिशियल स्टेज का एप्लीकेशन है. सही है अभी जो हम यहाँ पर पर्सनली जो तरीका फॉलो करता हूँ एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए एक प्रोजेक्ट जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट कहाँ से लेता हूँ और ये इंडस्ट्री का जो मेन प्रैक्टिस भी यही है जो अभी आपको मैं बताता हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करना है इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो है ना वो हमने सेट करना है. तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था. आपने फर्स्ट स्टार्ट करना है कोर एंड देन आपने दो यहाँ पर दो फोल्डर्स बनाना है एंड यू आई का. अगर आप यू और फॉलो करना चाहें तो बिल्कुल आप फॉलो कर सकते हैं बट दिस इज one of the practice we use over here. So UI के बाद हमें क्या करना है इसको मैं कर देता हूँ स्क्रीन. अच्छा अब कोर के अंदर हमारे पास क्या क्या होगा. कोर के अंदर हम आते हैं तो कोर में आपने फर्स्ट ऑफ ऑल रखना है एक कॉन्स्टेंट की डायरेक्टरी रखनी है
सही कॉन्स्टेंट्स एंड कॉन्स्टेंट्स के अंदर हमने यहाँ पर अभी अभी बहुत सारी चीज़ें हम उनको एक कॉन्स्टेंट रखेंगे यहाँ पर, सही है। तो उसके लिए मैं बनाता हूँ, अब कॉन्स्टेंट्स में क्या क्या रखने हैं, कलर्स कॉन्स्टेंट्स में हम रखते हैं, एक फोल्डर हमारे पास फाइल होगा कलर्स के लिए, एक हमारे पास होगा कलर्स टेक्स्ट स्टाइल्स, एंड दूसरा हमारे पास होगा कलर्स टेक्स्ट स्टाइल्स, एंड थर्ड हमारे पास होगा स्ट्रिंग्स। ओके, सो ये हमने कुछ कॉन्स्टेंट फाइल्स बनाई हैं। अभी एक जो एप्लीकेशन होता है, ये कॉन्स्टेंट फाइल्स मैंने क्यों बनाई है, अभी जो एक एप्लीकेशन होता है तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स यूज होते हैं, मल्टीपल कलर्स यूज होते हैं, और वो कलर्स बार बार जो है ना मल्टीपल टाइम यूज हो रहे होते हैं आपके एप्लीकेशन में, मल्टीपल लोकेशन पे यूज हो रहे हैं। तो इसके बजाय कि आप जो है ना बार बार कलर कोड दें, बार बार जो है ना आप कलर कोड टाइप करें वहां पर, तो उससे बेहतर ये है कि आप क्या करें, आप यहाँ पर जो कलर्स डॉट डॉट है इसके अंदर आप सारे कलर्स डिफाइन कर दें, सही है। आप यहाँ पर स्टेटिक मतलब कॉन्स्टेंट फाइल्स बना दें उसकी, और उसी कॉन्स्टेंट्स को हम वहां पे जाके फिर यूज करें, सही। तो इसी को भी हम यहाँ पर यही प्रैक्टिस अभी हम फॉलो करेंगे इस प्रोजेक्ट में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्रिएट करना था, ओके वन मिनट, आई एम गेटिंग मैसेजेस ओवर हियर। सो कॉन्स्टेंट्स फाइल हमारे पास हो गई है, ओके सो वी आर ओके विद दिस। अच्छा, तो कॉन्स्टेंट्स की फाइल्स हमने बना दी है वहां पर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करना क्या है, यहां पर जितने भी टेक्स्ट स्टाइल्स यूज हुए हैं यहां पर देखें, अब ये जो टेक्स्ट स्टाइल है ये हम ये नहीं करेंगे वहीं पर जो है ना, लास्ट टाइम तो हम ये करते थे कि जो टेक्स्ट विजिट था तो टेक्स्ट विजिट के अंदर हमने दोबारा से ये डिजाइन बनाना था। ओके सो वन मिनट प्लीज।
Mike, please, Mike is mute. Okay, sorry. For short section, mic was mute. But वहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा discuss नहीं किया anyhow. चलें मैं दोबारा से start कर लेता हूँ. Sorry for that. First of all, हमने यहाँ पर मैंने splash screen का file बना दिया है. ये हमारे पास first screen होगा इसमें. And now अभी हम करते हैं actual काम की तरफ आते हैं. इसमें हमारे पास दो sections हैं. एक हमारे पास logo का section है, एक powered by का section है. तो एक कॉलम के अंदर हम उसको अलाइन करेंगे दोनों को. सो अभी हम स्टार्ट करते हैं ये डिजाइन बनाने के लिए. तो एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप क्या करें, इस पूरे विजेट को यहाँ से एक्सपोर्ट करें. लेट सपोज को मैं कंप्लीटली यहाँ से एक्सपोर्ट करता हूँ, तो सेलेक्टेड यहाँ से सेलेक्टेड पे आ जाए. यहाँ पर आपने जस्ट बताना है कि आपने किस चीज के लिए एक्सपोर्ट करना है. सही है, तो राइट नाउ मैं सेलेक्ट करता हूँ कि मैंने एंड्रॉइड के लिए एक्सपोर्ट करना है. आपके पास बाय डिफॉल्ट MDPI को ही रखें. यहाँ पर मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ. लेट्स सपोज मैं डाउनलोड्स में जाके एक्सपोर्ट करता हूँ इसको एक और फोल्डर में. CSE स्टूडेंट अच्छा, तो अभी यहाँ पर डाउनलोड्स में आके स्टूडेंट कनेक्ट में ये सारे आइकन यहाँ पे एक्सपोर्ट हुए हैं. सही है अच्छा, बट अब वहाँ पर मैंने एक्चुअली एंड्रॉइड चूज किया था. तो एंड्रॉइड में ये होता है कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब एक लेट सपोज एक ग्राफिक है, एक इमेज है, उसको उसकी उसके आपको मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ जो साइजेस हैं वो आपको वहाँ पे एंड्रॉइड में मेंशन करने होते हैं. सो राइट नाउ अभी तक फ्लटर के अंदर कोई ऐसा सपोर्ट है नहीं कि आप उसमें मल्टीपल टाइप के जो है ना वो ग्राफिक्स इंपोर्ट करें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, राइट नाउ जस्ट यही एक ही यूज करते हैं. तो अगर आप लोग देख लें वहां से मैंने जो एक्सपोर्ट किया था तो मेरे पास ये पूरा लोगो कम्प्लीटली एक्सपोर्ट हो गया था. तो एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप यहाँ से पूरा लोगो एक्सपोर्ट करें. सही है, ये पूरा लोगो यहाँ से एक्सपोर्ट करें आप. सही है, बट इस सेशन के लिए हम पूरा लोगो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे. इस पूरे एक्सपोर्टेड लोगो को हम यूज नहीं करेंगे. हम जस्ट राइट नाउ हम क्या करते हैं, हम ये जो सिलेक्टेड एरिया है इसको एक्सपोर्ट करते हैं और ये जो बाकी जो डिजाइन है इसको हम खुद से बनाते हैं ताकि हमारी डिजाइन की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए और भी. सो दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं, हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं राइट नाउ जस्ट. तो इसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ यहाँ से सेलेक्टेड एंड देन फोल्डर वही सेलेक्ट है जो मैंने ये देखें स्टूडेंट कनेक्ट का और एंड्रॉइड. सो यहाँ से मैं एक्सपोर्ट करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास जस्ट ये एक लोगो भी आ गया है. सही है, इसका साइज थोड़ा कम लग रहा है मुझे, तो एनी हाउ हम ये वाला यूज कर लेते हैं. सही है, सो हमारे पास एक आइकन ये होगा, इसको हम यूज करेंगे. इसका मैं नाम जरा सही कर दूं. नाम का आपने कोशिश करना है कि नाम नेम्स में स्पेसिंग ना हो. जब नेम्स में स्पेसिंग होता है तो फिर उसमें बहुत सारे इशूज आते हैं. कनेक्ट आपको याद हो मैंने लास्ट प्रोजेक्ट में किया था कि एसेट्स आपने किस तरह इम्पोर्ट करना है. आपने यहाँ पर एक एसेट्स का फोल्डर बनाना है मेन प्रोजेक्ट में एसेट्स, और उसके अंदर मैं रख देता हूँ लेट्स सपोज फोल्डर इमेजेस, एंड इमेजेस के अंदर इसको इस प्रोजेक्ट को हम अब इसको इसके अंदर डाल लें इस फोल्डर के अंदर. अगर आप यहां से इस तरह डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं कर सकते तो आपके पास और भी ऑप्शन है. ओके, सो यहां पर एक ग्राफिक हमने ऐड कर दिया है. सही, तो ये आइकन हमारे पास यहाँ पर ये आ गया है. अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने यहाँ पर जो इमेजेस का सेक्शन है यहाँ पर उसको मैम ने मेंशन करना है कि हम यहाँ पर ये इमेज यूज कर रहे हैं. ओके, सो इसकी ये जो इंडेंटेशन है ना ये इसके साथ बिल्कुल सेम होनी चाहिए. अगर ये इंडेंटेशन सही नहीं होगी तो आपका फिर आपने जो फाइल इंपोर्ट किया है वो आप वहाँ पे यहाँ पे उसको मेंशन कर लेंगे पर आप स्टिल वहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे. सो दैट्स व्हाई ये जरूरी है. तो हम यूज कर रहे थे एसेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश अच्छा हमारा था एसेट्स स्लैश इमेजेस
और स्लैश लगा दें, सही है। तो इससे क्या होगा, ये इमेजेस फोल्डर के अंदर जितने भी आप फाइल्स डालेंगे तो उसको आप फिर अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको मेंशन कर दिया है, अब यहाँ पे फ्लटर पब पब को थोड़ा सा अपडेट कर दें तो ताकि आप उसको यहाँ पर यूज कर सकें। ओके, तो एक ऑप्शन हमारे पास डायरेक्टली वो लोगो यूज करने का था, बट हमने डायरेक्टली कंप्लीट लोगो यूज नहीं किया। ये देखें हमारे पास ये कंप्लीट लोगो यूज करने का ऑप्शन था, बट हमने ये कंप्लीट लोगो यूज नहीं किया। और उसकी वजह ये है कि हम इसको खुद से बनाना चाहते हैं। तो ये हो गया हमने लोगो एक्सपोर्ट। अच्छा, अब इसको हम जब खुद बनाएंगे तो अब इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं, तो हम इसको किस तरह बना सकते हैं। अब ये हमारे पास होगा एक रो में, सही है। रो में हमारे पास दो सेक्शन होंगे, इसमें एक एक हमारे पास ये आइकन होगा और दूसरा हमारे पास क्या होगा, ये दो यहाँ पर एक कॉलम होगा दोनों टेक्स्ट विजिट्स के लिए, सही है। तो ये हमारे पास एक टेक्स्ट विजिट है, ये कॉलम के अंदर हम वहाँ पे एडजस्ट करेंगे। सो इसका हम किस तरह बनाएंगे, इसको एक रो होगा चिल्ड्रन, एंड चिल्ड्रन के अंदर हमारे पास सेक्शन होंगे तीन, एक हमारे पास होगा आइकन जो अभी हमने यूज किया है यहाँ पर, लोगो आइकन, एंड उसके बाद हमारे पास क्या होगा कॉलम ऑफ टेक्स्ट ऑफ टेक्स्ट विजिट। सही, तो यहाँ पर हमारे पास आइकन है तो उसको हम यूज करते हैं एज ए इमेज, सही। तो उसको आप एज ए इमेज यूज कर सकते हैं, इमेज डॉट एसिड। अच्छा, इमेज के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, सही है। एक हमारे पास फॉर टाइमिंग हम इमेज यूज करते हैं, सही है। एंड इमेज में हमने बताना है यहाँ पर कि हमने किस टाइप का इमेज हमने यहाँ पर यूज करना है, सही है। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इमेज डॉट एसिड्स, तो मतलब एसिड इमेज हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, बट ये कह रहा है कि ये नहीं लेगा, चलिए हम ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज नहीं कर सकते, हम यहाँ पर यूज करेंगे एसिड इमेज, सही है। सॉरी, अच्छा, अब एसिड्स इमेज में आपने यहाँ पर उसका पाथ बताना है कि हमारे इमेज का पाथ क्या है, सही है। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि यहाँ पर आके इस पर राइट क्लिक करें, कॉपी पाथ एंड पाथ फ्रॉम कंटेंट रूट, तो रूट से ही आप पाथ लें इसका, तो ये इसका आपके पास हो गया पाथ। यहाँ पर हमारे पास आइकन आ जाएगा, सही है। अभी जो नेक्स्ट है वो हमने बनाना है कॉलम ऑफ जो दो टेक्स्ट विजिट्स हैं, ओके। तो ये एक रो एंड देन यहाँ पर हमारे पास होगा, एक हमारे पास है सी एस सी एंड दूसरा है कनेक्ट। तो ये हमारा हो गया मेन स्ट्रक्चर, सही है, जो लोगों के लिए था। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम होम देते हैं स्लैश स्क्रीन, ओके, एंड हम इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं। ओके, जब तक हमारा प्रोजेक्ट रन होता है तो उस टाइम के लिए हम क्या करते हैं, ये स्टाइल जो है ना ये बनाने की कोशिश करते हैं, सही है। तो हमारे पास यहाँ पर स्टाइल कौन सा है, स्टाइल हमारे पास है इसके लिए सी एस सी के लिए, सही है। हमारे पास इसका फॉन्ट साइज 40 है, फॉन्ट वेट हमारे पास बोल्ड है, और फॉन्ट जो फॉन्ट फैमिली है वो हमारे पास है पॉपिंस, सही है। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है, हमने क्या करना है, इसमें पॉपिंस का जो फॉन्ट है वो हमने एड करना है। तो हमारे पास एक ऑप्शन है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो यूज करते हैं गूगल फॉन्ट्स की, पब डॉट डेफ। तो अभी यहां पर हम एक पैकेज एड करेंगे गूगल फॉन्ट्स, बट आई डोंट नो कि उसमें हमारे पास पॉपिंस का कलर है या नहीं है, हम चले उसको देखते हैं एक नजर कि उसमें ले जो है। अच्छा, गूगल फॉन्ट्स आपके पास जो है ना ओपन सोर्स फॉन्ट्स है जिसको आप अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च करते हैं कि इसमें पॉपिंग है या नहीं है, हाँ इसमें पॉपिंग है,
regular, medium, bold. ओके सो गूगल फॉन्ट्स में हमारे पास फॉन्ट्स ऑलरेडी मौजूद है. अच्छा अब फॉन्ट्स के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है. एक ये है कि हम गूगल फॉन्ट्स को यूज करें. जो दूसरा ऑप्शन है वो हम डायरेक्टली फॉन्ट्स को ऐड करके यूज कर सकते हैं, फॉन्ट्स को इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम गूगल फॉन्ट्स यूज नहीं करते राइट नाउ. हम ये करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोजेक्ट के अंदर डायरेक्टली फॉन्ट्स इंपोर्ट करते हैं. तो फॉन्ट्स इंपोर्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जरूरी है कि आप वो फॉन्ट आपने डाउनलोड करना है, सही है. तो आप हम सर्च करते हैं पॉपिंस फॉन्ट डाउनलोड, ताकि हमारे पास फॉन्ट्स आ जाएं. ओके सो पॉपिंस गूगल फॉन्ट्स में ऑलरेडी है, तो गूगल फॉन्ट्स से आप फॉन्ट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं. इसमें डाउनलोड फैमिली, सही है. तो यहां पर हमारे पास ये फॉन्ट्स डाउनलोड हो गए हैं. ओके कम ऑन. ओके सो यहां पर ये फॉन्ट्स है गूगल फॉन्ट्स के, ये सारे फॉन्ट्स हमारे पास यहाँ पर डाउनलोड हो गए हैं. तो इसमें फॉन्ट्स तो बहुत सारे हैं, चलिए इन सारे फॉन्ट्स को हम इंपोर्ट करते हैं डायरेक्टली वहां पर. इसकी लाइसेंसिंग फाइल है. ओके सो हमने करना क्या है, हमने यही एसेट्स की डायरेक्टरी में आकर यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाना है फॉन्ट्स के लिए, सही है. और यहाँ पे मैं उसको नाम देता हूँ पॉपिंस. उसके जितने भी फॉन्ट्स है इस फोल्डर के अंदर मैं डाल देता हूँ, सही है. सो जो नेक्स्ट स्टेप था, हमने इसमें सारे फॉन्ट्स ऐड कर दिए हैं. ओके यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है, उसको हम एक नज़र देखते हैं कि हमारा एप्लीकेशन कैसे लग रहा है. ओके ओके सो यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है, जो कि जो फर्स्ट हमने फ्लो बनाया था स्प्लैश स्क्रीन के लिए वो कुछ यूं आ रहा है. सो ये हमारे पास वो साइड पे इमेज है, इमेज आइकन है, एंड साथ में ये जो दो टेक्स्ट विजेट्स हमने यूज किए थे वो साथ में आ रहा है. सो हमने अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा रिसाइज करते हैं, साइजिंग वगैरह ठीक करते हैं, उसके बाद हम आते हैं फॉन्ट्स की तरफ. अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल साइज देते हैं कि इसका साइज क्या होगा. तो साइज हम यहाँ से सिंपली आराम से देख सकते हैं कि इसका साइज कितना है. इसका साइज हमारे पास है 88 एंड हाइट एंड विड्थ इसका 88 है. तो आप इमेज में इसका साइज मेंशन कर सकते हैं. सो यहाँ पर इमेज है हाइट इसका कितना होगा 88 एंड विड्थ होगा इसका 88. तो ये एक्चुअली हमारे पास पिक्सल्स में है, सही है. अगर आपने इसको डायनेमिक साइज देना है तो डायनेमिक भी आप दे सकते हैं साइज. एंड इसमें एक जो इम्पोर्टेंट वो है वो हमारे पास फिट है, तो बॉक्स फिट इसको हम देते हैं कि मतलब इसकी फिटिंग कैसे होगी. और लास्ट टाइम इसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो आई होप सो कि आपको याद है. बॉक्स फिट डॉट, मैं इसको कर देता हूँ बॉक्स फिट डॉट कंटेन, सही है. अब उसकी साइजिंग हमारे पास सही है. सेंटर करना है चीज़ों को. अब आप लोग ये देखेंगे बिल्कुल स्टेटस बार पे आ रहा है, तो उसके लिए आप ये क्या कर रहे हैं, आप टेबल को जो है ना रैप कर रहे हैं एक फिजर के अंदर सेफ एरिया. तो अब हमारा जो कंटेंट है वो सेफ एरिया के अंदर आ रहा है. जो नेक्स्ट स्टेप है वो इसको हमने सेंटर करना है. इसको हम क्या कर देते हैं, हम सेंटर कर देते हैं. ओके सो ये सेंटर में ऑलरेडी है.
चलें इसकी डिजाइनिंग की तरफ बाद में आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोन सेट करते हैं। ओके तो यहाँ पर हमने बहुत सारे फॉन्ट्स ऐड कर दिए हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के फॉन्ट्स हैं, इसमें बोल्ड भी है, सारे फॉन्ट्स अभी यहाँ पर मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर pubspec.yaml फाइल में यहाँ पर आकर हमने ये सारे फॉन्ट्स अभी फॉन्ट फैमिली जो है यहाँ पर अभी डिफाइन करनी होगी। ओके तो इसमें हमने जो जो फॉन्ट्स यूज करने हैं हम जस्ट उन्हीं फॉन्ट्स को यहाँ पर छोड़ के बाकी को हम डिलीट करना है, सही है। इसमें हमारे पास एक हमने यूज करना है, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं हमने यहाँ पर इससे कौन कौन से फॉन्ट्स यूज करना है, सही है। अगर आप लोग देख लें ये कौन सा फॉन्ट है अभी, ये है पॉपिंस में बोल्ड है, तो एक हमने बोल्ड यूज करना है, दूसरा ये रेगुलर है, हमने रेगुलर यूज करना है। ये कौन सा है, ये भी पॉपिंस है, रेगुलर है, ये पॉपिन बोल्ड है, ये कोई और फॉन्ट है। सो मोस्टली जो हमने यूज करना है एक रेगुलर है और एक बोल्ड है। तो रेगुलर एंड बोल्ड हमने पॉपिंस के यूज करना है। तो बाकी जितने फॉन्ट्स है उसको हम डिलीट कर देते हैं, एक हम ये छोड़ देते हैं। एक हमने छोड़ना है बोल्ड, एक हम बोल्ड छोड़ लेते हैं, एंड ब्लैक नहीं बल्कि बोल्ड, एंड एक हमने छोड़ना है रेगुलर, रेगुलर एंड सेमी बोल्ड को हम छोड़ लेते हैं, बाकी सारे हम डिलीट कर देते हैं। ओके अब यहां पर हमारे पास पॉपिंस के तीन फॉन्ट्स हैं, एक है सही है। तो अभी हमने करना है यहाँ पर फॉन्ट्स में, यहाँ पर वही जो आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि आपने क्या करना है, इसकी इंडेंटेशन आपने सही रखनी है, तो इसकी इंडेंटेशन यहाँ पर होगी, सही। अच्छा अब इस फॉन्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल हमने नेम देना है कि इस फॉन्ट का नेम क्या होगा, सही है। तो इसको मैं नाम देता हूँ पॉपिंस, सही है। एक मिनट इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, चलिए मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ। फैमिली इसकी कौन सी है, फैमिली है इसकी पॉपिंस, और इसमें हमने फॉन्ट्स कौन कौन से यूज करना है। ओके इसमें ओके तो चलिए यही वाला यूज कर लेते हैं। असल में इसकी इंडेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है, तो इंडेंटेशन का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। मैं कोशिश करता हूँ कि इसकी इंडेंटेशन ठीक आ जाए। पॉपिंस ओके एंड देन हमारे पास फॉन्ट्स हमने कौन कौन से यूज करना है इसमें। ओके सो फॉन्ट्स हमने इसमें एक हमारे पास है, यहाँ पर आपने उसकी जितनी भी वो है वो प्रोवाइड करनी है, फॉन्ट स्लैश, अब इस यहाँ पर हमारे पास फॉन्ट स्लैश पॉपिंस आपने ये डायरेक्टली मेंशन करनी है, फॉन्ट स्लैश पॉपिंस, और यहाँ पर आपने बताना है कि कौन सा फॉन्ट है, तो उसका नाम है फाइल का जो नाम है पॉपिंस डैश बोल्ड, हम सफल करते हैं रेगुलर, रेगुलर डॉट पीडीएफ, सही है। अच्छा अब रेगुलर का साइज ना भी मेंशन करना तो कोई मसला नहीं है, सही है, क्योंकि रेगुलर का हमारे पास वही एक रेगुलर साइज है, तो रेगुलर में आपको साइज मेंशन करने की जरूरत नहीं है। फिर हमारे पास यहाँ पर है बोल्ड है, तो हम बोल्ड भी मेंशन करते हैं यहाँ पर, ओके सो देट इज पॉपिंस POPPINS बोल्ड। अच्छा अब इसमें यह है कि अगर आपने यहाँ पर इसमें मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी, अब ये फॉन्ट अगर बोल्ड है तो आपने इसका यहाँ पर वेट मेंशन करना जरूरी है, तो आपने इसका यहाँ पर वेट मेंशन करना है WHT, और इसका वेट कितना, जो हमारे पास जो बोल्ड होता है उसका वेट हमारे पास 700 होता है, और ये लास्ट टाइम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था कि इसका हमारे पास फॉन्ट वेट कितना होगा।
जब हम डिफरेंट फॉन्ट्स यूज कर देते हैं वहां से डायरेक्टली. जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है सेमी बोल्ड, तो उसको भी मैं यहीं पे इसी तरह कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ. सो ये हमारे पास है सेमी बोल्ड, एंड इसका हम यहाँ पर वेट मेंशन करेंगे. तो सेमी बोल्ड का हमारे पास जो वेट होता है वो 600 होता है, सही है. तो ये हमारे पास अभी हो गए हैं. तो हमने यहाँ पर कौन कौन से फॉन्ट्स यूज किए हैं, पॉपिंस है, एंड पॉपिंस के अंदर हमने डिफरेंट फॉन्ट्स यूज किए हैं यहाँ पर. तो ये होता है फॉन्ट ऐड करने का तरीका, सही है. मैं भी इसमें कोई इशू हो अभी हम इसको टेस्ट करते हैं, अगर कोई इशू सामने आते हैं इसको हम दोबारा से फिर रिव्यू करते हैं. सो ये हमारे पास था फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लोगो का डिजाइन था. तो हम लोगो के डिजाइन की तरफ वापस आते हैं. हम यहाँ पर आइकन ऐड कर चुके हैं ना, हो अभी हम आते हैं स्टाइलिंग की तरफ. तो एक तरीका तो ये था कि हम यहाँ पे स्टाइलिंग करते थे, इसकी जितनी भी स्टाइलिंग थी हम यहाँ पर करते थे. फेस का हमारे पास टेक्स्ट स्टाइल इसका क्या होगा, सही है. टेक्स्ट स्टाइल हम यहाँ पे मेंशन करते थे ना कि इसमें हमारे पास अभी उसका फॉन्ट साइज कितना है, सही है. तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर मेंशन करते थे. बट राइट नाउ हमने करना क्या है, ये जो जितनी भी स्टाइलिंग है उन्हें यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन नहीं करनी. अच्छा सॉरी, यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि एसिड्स में मैंने ऐड किया हुआ है एसिड्स के अंदर फॉन्ट. ओके, इसको जरा चेक करना, कंफर्म करना पड़ेगा. लेट्स सपोज फॉर टाइमिंग हम यूज करते हैं उसको, एंड उसके बाद कंफर्म करते हैं. तो स्टाइल तो हमारा ये था कि हम यहाँ पे उसकी सारी स्टाइलिंग करते थे, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, वेट, जितनी भी चीजें हम यहाँ पर मेंशन करते थे उसको. बट राइट नाउ हमने करना क्या है, हमने यहाँ पर उसको मेंशन नहीं करना, सही है. जो बेहतर तरीकेकार ये है कि हम यहाँ पर आके जो हमारे पास कोर का फोल्डर है, कोर में हमारे पास कॉन्स्टेंट्स और जितने भी इफेक्ट स्टाइल्स हैं ना, हम यहाँ पे करें उसको, और यहाँ से हम दोबारा उसको यूज कर सकते हैं बार बार. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मटेरियल इंपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मटेरियल आपके पास काफ़ी ज़्यादा यूज होगा. तो उसको मैं स्टैटिक कर देता हूँ. स्टैटिक में हमारे पास ये होता है कि आपके पास एक ही ऑब्जेक्ट उसका बनता है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट नहीं बनता है. तो फाइनल स्टैटिक स्टैटिक या स्टैटिक यूज करेंगे या फाइनल यूज करेंगे, तो उसको हम स्टैटिक कर देते हैं. ओके फाइनल हम यूज करते हैं लोगो फॉन्ट. ओके बोल्ड बोल्ड ब्लू टेक्स्ट स्टाइल, सही है. और इसको मैं कर देता हूँ टेक्स्ट स्टाइल. यहाँ पे हम सारी जितनी भी मतलब वो जितना भी फॉन्ट है ना वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, सही है. अब हम देखते हैं जो लोगो था उसका फॉन्ट कितना था. अब हम आते हैं इस फॉन्ट की तरफ. अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें फॉन्ट कौन सा यूज हुआ है, फॉन्ट पॉपिंस, सही है. तो हमने यहाँ पर फॉन्ट इसमें पॉपिंस यूज करना है. तो फॉन्ट फैमिली हमारे पास यहाँ पे कौन सी होगी, यहाँ पे आपने जस्ट वो नाम मेंशन करना है, सही है. अब नाम कौन से वाला होगा, तो यहाँ पर ये देखें जो नाम आपने इसको दिया हुआ है, सही, एग्जैक्टली सेम नाम आपने यहाँ पर इसको फॉन्ट फैमिली को देना है, सही है. फिर हमारे पास फॉन्ट साइज है, तो फॉन्ट साइज वहां पे था 40. फॉन्ट कलर है, अब कलर की बात आ गई है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम जितने भी कलर है यहाँ पे हम उसको डिफाइन करते हैं, सही है. इम्पोर्ट मटीरियल फाइनल ब्लू 3 कलर, सही है. अब हमने यहां पर क्या करना है, अपना कलर डिफाइन करना है, सही है. एक तो हम यूज करते थे ना कलर्स डॉट ब्लू, सही है. एक तो हम वहां पे वो डायरेक्टली जो बिल्टन कलर्स हैं डॉट के, तो हम वो बिल्टन कलर्स यूज कर देते हैं. अभी जो हमारे पास हम अपने कलर्स भी डिफाइन कर सकते हैं, सही है. तो आपने जस्ट कलर्स के बजाय कलर का जो क्लास कलर की जो क्लास है वो हम यूज कर सकते हैं, सही है. तो कलर में हम यहाँ से जो फोन फोन कलर है तो उसका जो कलर कोड है वो उठाते हैं यहाँ से, ये कॉपी करके. अच्छा कलर आप किस तरह देंगे, आपने जस्ट करना है 0xff एंड आपको उसके बाद आपने कलर कोड दे देना है, सही है. अब यहाँ पर ये असल में हमारे पास जो कलर कोड है ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है. अब ये जो फर्स्ट 2ff का मतलब क्या है, ये हमारे पास एक्चुअली ओपेसिटी है कलर की, सही है.
जिनको ओपेसिटी की समझ नहीं है तो फॉर टाइमिंग वो ये समझते हैं कि आपने यहाँ पर जीरो एक्स एफ एफ डालना है, सही है। जिनको समझ आती है वो इसको फिर बाद में यूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपने जो कलर कोड है वो डाल देना है, जो सिक्स कैरेक्टर का हमारे पास हेक्साडेसिमल कलर कोड है, तो आपके पास ये कलर यहाँ पर आ गया है। तो अच्छा, तो फोन स्टाइल था, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, वो कलर की जो फाइल थी उसमें हम इसको हम इम्पोर्ट कर देते हैं, यहाँ पर कलर डाटा हम यहाँ पे इम्पोर्ट कर देते हैं, और जो ब्लू थीम कलर था वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, सही है। तो अब ये जो कलर हमने यहाँ पर वन टाइम डिफाइन किया है फाइनल, सही है। तो अब इस कलर को मैं मल्टीपल जगहों पे बार बार यूज कर सकता हूँ, सही है। दूसरा तरीका ये था कि मैं बार बार ये कलर डिफाइन करता क्योंकि मुझे कलर कोड भी याद ना रहता, और ये हमारे पास एक बेहतर तरीकेकार नहीं है इसको करने का। सो फॉन्ट साइज था, एंड इसके बाद फॉन्ट कलर था, फॉन्ट फैमिली भी इसकी हो गई है, एंड अभी फॉन्ट वेट है इसका। फॉन्ट वेट कितना था, फॉन्ट वेट डॉट 700। अब 700 हमारे पास क्या है, ये एक्चुअली अगर आप यहाँ पे देख लेना, ये हमारे पास एक्चुअली बोल्ड है, सही है। अच्छा, इसमें अब एक बात और है कि लेट सपोज आपने यहाँ पर फॉन्ट ऐड किया हुआ है एसेट्स में, ये फॉन्ट आपने ऐड किया है, लेट सपोज ये पॉपिंग का फॉन्ट है, बोल्ड आपने ऐड किया हुआ है, सही है। अगर आपने यहाँ पे बोल्ड यूज करना है तो बोल्ड का ऐड करना यहाँ पर जरूरी है। दूसरी बात उसमें ये है कि जब आपने बोल्ड मेंशन किया है तो जो बोल्ड आप देखेंगे ना यहाँ पर, आपने इसका फॉन्ट वेट जरूर मेंशन करना है, सही है। तो फिर आपका ये फॉन्ट यूज होगा ऑटोमेटिकली, इंटरनली ये खुद ऑटोमेटिकली डार्ट खुद उसको एडजस्ट करता है, सही है। सो हमने यहाँ पर इसको यूज कर लिया है। तो यहाँ पर टेक्सटाइल तो हमने बना दिया है, अब इसी टेक्सटाइल को हम यहाँ पर ये अलग अलग से टेक्सटाइल करने की बजाय हम तो क्या कर सकते हैं, ब्लू जो टेक्सटाइल, हाँ ये टेक्सटाइल हमारे पास है, इसको हम यूज करते हैं, सही है। अब इसको जब मैंने इंटर किया तो ऑटोमेटिकली उसने वो फाइल भी इंपोर्ट कर दिया है, सही है। अगर आपका मसला है कि फाइल इंपोर्ट नहीं है तो आप यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल इंपोर्ट करते हैं टेक्स्ट। अब इसकी डायरेक्टरी क्या है, कोर में स्टूडेंट स्लैश कोर, कोर में था हमारे पास कॉन्स्टेंट्स, एंड कॉन्स्टेंट के बाद क्या था टेक्स्ट स्टाइल्स, तब इस फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट करके उसके बाद फिर उसको यूज करें, सही है। तो यहाँ पर मैंने ये देखें, अब ये जो हमारे पास जो कोड है काफ़ी क्लीन आ रहा है, सही है। अगर उसको मैं यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर इसको मैं उठा के वहाँ पर डाल दूँ, यहाँ पर ये देखें इसको मैं यहाँ पर इस तरह डाल दूँ तो ये भी काम करेगा, बट ये आपके पास जो कोड है काफ़ी ज़्यादा आ जाता है यहाँ पर, और इस कोड को फिर मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल होता है। सो ये हमारे पास जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो आप इस तरह यूज करें इसको, सही है। तो हमने यहाँ पर इसका जो स्टाइल था वो तो बना दिया है, अब इसको हम सेव करते हैं। अब ये देखें आपको आपके पास वो एग्जैक्टली इस तरह हमने यूज किया था वो आ रहा है, बट आई थिंक फॉन्ट प्रॉपरली एड नहीं हुआ, फॉन्ट को हमें देखना पड़ेगा, सही है। सो एनी हाउ फॉन्ट्स, अगर फॉन्ट हमारे पास प्रॉपरली एड नहीं हो रहा उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं बाद में भी, बट एनी हाउ दिस इज हाउ यू कैन यूज इट। जो दूसरा है, हमने दूसरा एक फॉन्ट बनाना है, फॉन्ट फैमिली फॉन्ट स्टाइल बनाना है, वो हमारे पास ये वाला है रेगुलर, सही है। उसका उसका साइज हमारे पास 40 है, बट उसकी फॉन्ट फैमिली हमारे पास जस्ट क्या है 40। तो हम यहाँ पर टेक्सटाइल के अंदर आकर इसी को कॉपी पेस्ट करके दोबारा से नया फॉन्ट बनाते हैं यहाँ पर। तो इसको मैं कर देता हूँ रेगुलर ब्लैक टेक्स्ट स्टाइल, सही है। पॉपिन है, साइज भी 40 है, कलर हमारे पास कौन सा है, कलर डॉट ब्लैक, सही है। जो ब्लैक कलर है तो ऑटोमेटिकली हम वही ब्लैक कलर यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और इसका फॉन्ट वेट हमारे पास क्या है, फॉन्ट वेट इसका रेगुलर है तो उसको रखने की जरूरत नहीं है, एंड रेगुलर ब्लैक जो फॉन्ट स्टाइल है उसको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं स्टाइल, रेगुलर ब्लैक फॉन्ट स्टाइल, सही है। सो ये तो हो गया हमारे पास, वो जो मेन स्टाइल था वो तो बन गया है उसका। अब दूसरा जो वो है, अब ये देखें ये आपके पास अलाइनमेंट उसकी लेफ्ट पे नहीं आ रहा है, अब ये जो कॉलम है ना, ये कॉलम ये जो जिसमें जो टेक्स्ट विजेट्स हैं इसकी अलाइनमेंट सही नहीं है, तो हम क्या कर देते हैं इसकी जो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट है उसको हम ठीक कर देते हैं, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट कर देंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा, सही है। तो दोनों स्टार्ट में आ गए हैं। दूसरी इसमें बात यह है, अब ये देखें इनके इनके दरमियान एग्जैक्टली कुछ स्पेसिंग आ रही है, बट अगर हम यहाँ पर लोगों में देखें, ये देखें ये दोनों बिल्कुल सेंटर में आ रहा है और वो दोनों बिल्कुल साइड्स पे आ रहे थे, तो हम क्या करते हैं इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं मेन एक्सिस में,
सही है। और ये मेन एक्सिस अलाइनमेंट, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट ऑलरेडी मैं बार बार डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसको मैं ज़्यादा दोबारा से डिस्कस नहीं करता। अगर किसी ने नहीं, अगर किसी को नहीं पता, तो वो पिछले जो वीडियोस हैं वो देख के उससे कुछ समझ सकते हैं। सो सेंटर में कर दिया है इसको मेन एक्सिस अलाइनमेंट को। अच्छा, अब इसमें एक और बात है, ये जो लोगो है हमारे पास ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, हॉरिजॉन्टली बिल्कुल सेंटर में आ रहा है और वर्टिकली भी सेंटर में आ रहा है। वर्टिकली सेंटर में करने के लिए हम बाद में आते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक डॉट भी है, तो इसको हम इसमें एक डॉट भी डाल देते हैं ताकि हमारे पास एग्जैक्टली सेम डिजाइन बने। ओके, अब हमने करना है इसको सेंटर। अच्छा, तो टॉप में हमारे पास है कॉलम, कॉलम को तो मैंने सेंटर कर दिया है, बट कॉलम के अंदर हमारे पास एक्चुअली यहाँ पर रो है, तो रो में ये लेफ्ट अलाइन आ रहे हैं, सही है। तो यहां से हम करते हैं इसको मेन एक्सिस अलाइनमेंट एंड मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर करते हैं, सही है। तो ये अभी हमारे पास बिल्कुल सेंटर में आ गया है, जिस तरह हमारे पास डिजाइन में है। सो ये लोगो तो हमने बना लिया है, एक सेक्शन तो हमारे पास इस स्प्लैश स्क्रीन का एक सेक्शन तो बन गया है, सही है। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है वो हमारे पास ये वाला है, एंड इस सेक्शन को भी हम बनाते हैं। अच्छा, पावर्ड बाय है और फिर हमारे पास ये एंटानिक्स का लोगो है, तो एंटानिक्स का जो लोगो है इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ यहाँ से, एक्सपोर्ट सेलेक्टेड, और मैं उसी को मतलब वही पे मैं एक्सपोर्ट करता हूँ जो पिछला लास्ट टाइम मैंने यूज किया था। डाउनलोड में पॉप इन नहीं था यहाँ पर, स्टूडेंट कनेक्ट में आप किसी भी फोल्डर में डाल सकते हो, मैं डाउनलोड में इसमें इसलिए डाल रहा हूँ ताकि मैं उसको बाद में आसानी से डिलीट कर सकूँ फिर यहाँ से। तो कोशिश कर रही है कि नाम में आपके पास जो है ना वो स्पेसिंग ना हो, क्योंकि बाद में फिर इश्यूज आते हैं। एंटोनेक्स लोगो, सही, इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ जो इमेजेस का सेक्शन था इस एसेट्स के अंदर। सही, सो यहाँ पर ये एड हो गया है, एंड नाउ हमने करना है इसको एडजस्ट। अच्छा, अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन हमने बनाना है, ये तो हमारे पास वो जो लोगो का सेक्शन था ही हो गया है, सही है। सी एस सी कनेक्ट लोगो का जो सेक्शन था, सही है, अभी हमारे पास वो फर्स्ट वो सेक्शन हो गया है। अब दूसरा जो सेक्शन है हमारे पास वो है पावर बाई का सेक्शन, सही है। तो पावर बाई में अगर आप लोग देख लें तो यहाँ पर हमारे पास दो विजिट्स हैं, एक टेक्स्ट विजिट है, एक हमारे पास फिर उसके बाद एक हमारे पास एक दूसरा एंटानिक्स का लोगो है, तो इसको हम एक कॉलम के अंदर करेंगे। कॉलम कॉलम के अंदर चिल्ड्रंस, तो यहाँ पर हमारे पास एक टेक्स्ट है पावर्ड बाय, एंड देन यहाँ पर हमारे पास एक इमेज है, यहाँ पे हमने उसका URL डालना है, एंटोनिक्स लोगो, एंड इसको कॉपी कॉपी पास फ्रॉम रूट। ओके, सो ये हमने यहाँ पर ये लोगो ऐड कर दिया है, इसको हम सेव करते हैं, देखते हैं कैसे आता है। एरर आ रहा है यहाँ पर, कोई दोनों के एरर है। ओके, Unable find to locate the entry in pubspec.yaml phones slash poppins. Okay, चलें इसको एडजस्ट करते हैं, ये हमारे पास क्यों नहीं आ रहा। ये सर पाथ का कोई मसला होगा यहाँ पर, तो उसकी वजह से हमारे पास फोन प्रॉपरली नहीं आ रहा है। पावर्ड बाय एंड सी एस सी कनेक्ट का लोगो तो हमने ऐड कर दिया है, बट लोगो हमारे पास यहाँ पर नहीं आ रहा। ओके, एसेट स्लैश images स्लैश दिस वन इज नॉट फाउंड। ओके, got exception. ओके, तो इसको अब मसला ये है कि इसको ये फॉन्ट नहीं मिल रहा ना, फॉन्ट नहीं सॉरी ये फाइल नहीं मिल रहा। तो अक्सर जब आप यहाँ पे फाइल्स ऐड करते हैं तो ये इशू आता है थोड़ा सा। तो
इसका फिर तरीकेकार ये है कि आप क्या करें, इसको क्लोज करके दोबारा से रिस्टार्ट कराएं। एंड ऑन एक्स का लोगो तो हमने पाथ तो हमने सही ऐड किया हुआ है, दोबारा से ट्राई करते हैं। एक वजह तो ये हो सकती है आपका पाथ ठीक ना हो ना, दूसरी जो वजह हो सकती है वो फिर आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा उसके लिए। पाथ हमारे पास ठीक है, अब यहाँ पे पब्लिक डॉट यामल में चेक करते हैं। अब यहाँ पर हमने जो पाथ डिफाइन किया हुआ है एसिड्स स्लैश इमेजेस, और ये हमारे पास एसिड्स के अंदर इमेजेस के अंदर है, तो आई थिंक इट शुड वर्क, बट वाई दैट्स वर्किंग हियर। तो हम इसको क्लोज करके दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं। अगर आपको भी ऐसा कोई इशू आ रहा है तो आप उसको रिस्टार्ट करके ये इशू आपका रिजॉल्व हो सकता है, सही है। अच्छा, तो यहाँ तक हमने थोड़ा अभी तक हमने थोड़ी बहुत कस्टम डिजाइनिंग की है, तो यहाँ तक अगर किसी के क्वेश्चन हैं तो क्वेश्चंस आर मोस्ट वेलकम। तो आप लोग अपने उस टाइम तक अपने क्वेश्चंस शेयर कर सकते हैं जब तक हम इसको डिस्कस करें। अगर किसी के क्वेश्चन हैं जब तक हमारे पास ये एप्लीकेशन दोबारा से रन हो जाए तो आप लोग अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। ओके, ग्रेडल हमारे पास क्या है? ओके अच्छा, तो आते हैं ग्रेडल की तरफ। ओके, जब आप हम ग्रेडल हमारे पास एक्चुअली एंड्रॉयड का जो हमारे पास बिल्ड जनरेट होता है तो उसके लिए जो टूल यूज होता है वो हमारे पास है ग्रेडल, सही है। तो ग्रेडल एक्चुअली एक टूल है जो हमारा एंड्रॉयड का बिल्ड जनरेट करता है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल ग्रेडल, सो दिस इज व्हाट ग्रेडल इज, सही है। ओके, सो व्हाट डज इट से, पाथ का इशू आ रहा है इसका, तो इसकी वजह से ये काम नहीं आ रहा। ओके, इसको रिजॉल्व करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, तो ग्रेडल हमारे पास ग्रेडल को तो मैंने डिस्कस कर दिया कि ग्रेडल हमारे पास जो एक्चुअली हमारे पास जो एंड्रॉयड का एप्लीकेशन है उसका जो एपीके बिल्ड करता है, तो वो जो टूल है वो ग्रेडल है, सही है। अब ग्रेडल में हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल फाइल्स होती हैं, एक हमारे पास जो ऐप लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल का फाइल होता है प्रोजेक्ट लेवल, एंड दूसरा हमारे पास ऐप लेवल का बिल्डर ग्रेडल का फाइल होता है, सही है। तो इन दोनों फाइल्स को हम डिस्कस करेंगे, इसमें सारी सेटिंग्स होती हैं आपकी, आपका वर्जन आपका जो है ना वो कंपाइल एसडीके सोर्स एसडीके कौन सा टाइप का आपने वर्जन आपका क्या है, आपके एप्लीकेशन का नाम क्या है, पैकेज नेम, बहुत सारी चीज़ जो है ना हम यहाँ पर एड करते हैं, सही है। सो इनको हम डिस्कस करेंगे लेकिन बाद में, बट एनी हाउ ओवरऑल ग्रेडल इज अ टूल विच इज यूज टू बिल्ड टू जनरेट एंड्रॉयड बिल्ड, सही है। तो एंड्रॉयड बिल्ड जनरेट करने के लिए हम ग्रेडल यूज करते हैं। तो यहाँ पर pubspec.yaml में उसको मसला आ रहा है ये फॉन्ट ये पाथ फाइंड करने के लिए। ओके, दोबारा से इशू के एक नज़र देखते हैं। अनेबल टू लोकेट एसेट एंट्री pubspec.yaml फॉन्ट स्लैश ओपन। ओके, आई थिंक मे बी इसको एसेट से स्टार्ट करना पड़ेगा, एसेट स्लैश फॉन्ट acid/font, क्योंकि हमारी जो मेन डायरेक्टरी है वो एसिड्स है। सो इसको रिस्टार्ट करते हैं, देखते हैं दोबारा से। क्योंकि pubspec का जो लोकेशन है वो हमारे पास ये है, so this is pubspec location, and अगर pubspec में फाइल एक्सेस करना है तो assets के अंदर fonts, सही है, अभी हमारे पास location सही है। लास्ट टाइम हमने fonts से स्टार्ट किया था, बट एनी हाउ इसको स्टार्ट करना था assets से, क्योंकि assets की डायरेक्टरी के अंदर फिर हमारे पास fonts की डायरेक्टरी है, so that's why, सही है। अगर आप ये करते हैं कि font की डायरेक्टरी डायरेक्टली यहाँ पर डाल देते हैं, मतलब स्टूडेंट कनेक्ट के अंदर डाल देते हैं जिस यहाँ पर हमने ये assets का फोल्डर डाला हुआ है, तो देन आप उसको यूज कर सकते हैं। ओके, जब तक हमारा बिल जनरेट होता है आपके लिए
सो हमारा एप्लीकेशन यहाँ पर रन हो चुका है, वहाँ पर असल में मसला था फोन्स का, फोन्स प्रॉपरली ऐड नहीं हुए थे तो उसकी वजह से थोड़ा सा इशू आ रहा था. तो दैट इशू हैज बीन रिजॉल्व नाउ. अच्छा, अब हमारे पास ये जो पावर बाई का सेक्शन भी आ रहा है, अभी इसकी जो साइजिंग है इसको हम एडजस्ट करते हैं. ओके, सो ये हमारे पास एसेट इमेज है, इसकी हम जो हाइट एंड विड्थ है वो सेट करते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से चेक करते हैं कि इसकी हाइट एंड विड्थ क्या है. इसकी हमारे पास जो विड्थ है 134 एंड हाइट हमारे पास 55. तो फॉर टाइमिंग हम स्टैटिक रखते हैं, हाइट 155 एंड विड्थ इसका है 134 है, तो मतलब अराउंड 140 ही है. अगर आपने एग्जैक्ट रखना है तो आप एग्जैक्ट भी रख सकते हैं. सही है. फिट हम रख देते हैं इसको फिट डॉट कंटेन बॉक्स फिट कंटेन. अच्छा, बॉक्स फिट डॉट कंटेन आप उस केस में यूज करें जो बेहतर तरीका है, जहां पर आप चाहते हैं कि आपका जो पूरा आइकन है वो जो सेक्शन आपने जो हाइट एंड विड्थ डिफाइन किया हुआ है उसके अंदर आपका पूरा जो इमेज है वो शो होना चाहिए. तो उस केस में आप जो है ना कंटेन यूज करें. सो इट इज वर्किंग नाउ. अभी जो नेक्स्ट स्टेप है फिर इसकी साइजिंग अभी ठीक करनी है. सही है. सो हम क्या करते हैं यहाँ पर मेन एक्सिस अलाइनमेंट. अच्छा, अभी हम थोड़ा सा इसको यहाँ से इंस्पेक्टर से देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एरियाज बने हुए हैं यहाँ पर. सही है. जो फर्स्ट एरिया है यहाँ पर हमने हाइट एंड विड्थ उल्ट गलत दी है. सही है. हाइट मैंने विड्थ की जगह दी है और विड्थ की जगह मैंने हाइट दी है. सो हाइट हमारे पास 134 है एंड विड्थ हमारे पास 155 है. सही है. तो अभी सही है, साइजिंग मेरी सही हो गई है. बल्कि हाइट अभी भी ज्यादा आ रही है तो उसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं. ओके, आई डोंट नो कि साइज का क्या मसला है यहाँ पर. 55 है और मैंने वहाँ पे 155 दी हुई है. विड्थ 134 है एंड हाइट 55 है. हाइट 55 एंड विड्थ 134. ओके, सो नो इट्स राइट नाउ. तो अब यहाँ पर अगर आप लोग देख लें, अब हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से सेक्शन है. एक हमारे पास ये पावर्ड बाई का सेक्शन है, जो ये एरिया है ये हमारे पास पावर्ड बाई का सेक्शन है. सही है. एंड दूसरा जो सेक्शन है वो हमारे पास सीएसी लोगों का सेक्शन है. सही. अभी हमने करना ये है कि इनकी जो स्पेसिंग है वो हम डायनेमिक रखते हैं. डायनेमिक का मेरा मतलब ये कि अगर आपका स्क्रीन साइज चेंज होता है तो उसकी स्पेसिंग चेंज हो. बाकी जो हम अगर यहाँ पे आप अगर कॉन्स्टेंट स्पेस देंगे तो उससे मसला फिर ये होगा जब आपका स्क्रीन साइज चेंज होगा तो आपका जो या तो आपका स्क्रीन ओवरफ्लो होगा और या आपका जो कंटेंट है वो आपको सही स्क्रीन पर नहीं दिखेगा या स्पेसिंग बहुत कम हो जाएगी तो वो मसले आएंगे फिर दरमियान में. तो इसका जो साइज है वो स्टैटिक नहीं बल्कि डायनेमिक रखने के लिए हम क्या करते हैं. अगर आप लोग यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर जो बाकी स्पेसिंग है इन दोनों के दरमियान और ये जो बाकी स्पेसिंग ऊपर है तो इसको हमने कैसे एडजस्ट करना है. तो मैं करता हूँ इसको फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉलम हमने यूज किया हुआ है तो मैं करता हूँ मेन एक्सिस अलाइनमेंट और मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन करता हूँ. स्पेस अराउंड नहीं बल्कि स्पेस बिटवीन करते हैं. तो उससे क्या होगा, स्पेस बिटवीन से ये हुआ है कि ये बिल्कुल नीचे चला गया और ये बिल्कुल टॉप पे आ गया. बट ये एक्चुअली हमें ये वाला जो ये जो कॉन्टेंट है ये हमें बिल्कुल सेंटर में चाहिए यहाँ पर. सही है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक सीएससी कनेक्ट का एरिया है ना, यहाँ पर मैं एक एम्प्टी कंटेनर एड कर देता हूँ. सही है. कंटेनर और इसका मैं हाइट 0 रख देता हूँ. ये जैसे एक एम्प्टी कंटेनर होगा जिससे मैं स्पेसिंग को टीक करने के लिए मैं यूज करूंगा. अब ये देख लें, अब ये देखें बिल्कुल आपके पास सेंटर में आ गया. तो अब हुआ क्या है, यहाँ पर इसने एक एम्प्टी कंटेनर एड किया है और जो बाकी स्पेसिंग थी वो अब वो कंटेनर इस विजिट और इस विजिट के दरमियान डिवाइड हो गई है. तो अभी ये जो कंटेंट देखें आप हमारे पास ये बिल्कुल जिस तरह हम चाहते थे उसी तरह आ रहा है. अब ये देखें तो हमें भी तकरीबन तकरीबन यही सेम कंटेंट चाहिए था तो हमारे पास यही सेम कंटेंट आ रहा है. एनी हाउ इंस्पेक्टर में हम कुछ और भी चेक करते हैं. यहाँ पर चेक करते हैं रेंडरिंग में टाइम फ्रेम जो है. ओके, इसके टॉप एंड बॉटम पे थोड़ी सी स्पेसिंग आ रही है.
ओके सो ये हमारे हमारा था जो मेन जो फर्स्ट स्प्लैश स्क्रीन था, सही है। अब अगर आप लोग यहाँ पर देख लें, जो यहाँ पर बॉटम पे थोड़ा सा उसको थोड़ी सी पेडिंग मिली हुई है बॉटम से, तो उसको हम थोड़ी सी पेडिंग दे देते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास ये कॉलम था, इसमें हम एक साइज बॉक्स डाल लेते हैं यहाँ पर। तो नीचे कुछ साइज आ जाएगा इसका, साइज बॉक्स इसकी हम हाइट देते हैं, हाइट इसको हम करते हैं 50। अगर आपने स्पेसिफिक देनी है कि कितनी हाइट है नीचे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, अगर आपने देखना है कि नीचे हमारे पास साइजिंग कितनी है, तो आप अल्ट प्रेस करके आप यहाँ पे आ जाएंगे ना, कर्सर, आप कोई भी आइकन यहाँ से सेलेक्ट करें। ये एडोब एसडी के जो कमांड हैं शॉर्टकट्स हैं, ये आइकन है, इसमें आप अल्ट प्रेस करेंगे तो आपको जितनी भी इसकी स्पेसिंग है वो नज़र आ जाएगी कि लेफ्ट से इसकी कितनी स्पेसिंग है, राइट से कितनी है एंड बॉर्डर से कितनी है। तो बॉर्डर से जो स्पेसिंग उसको मिल रही है वो है 36, तो हम यहाँ पर इसको साइज बॉक्स में 36 दे देंगे, ताकि हमारे पास जो डिज़ाइन है वो एग्जैक्टली उसी तरह हमारे पास आ जाए। सो ये हमारे पास है फर्स्ट जो सी एस सी कनेक्ट का सेक्शन था, ये आ गया है। बट इसमें एक एक मसला मुझे लग रहा है, ये असल में स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा आ रही है इसके अंदर। तो ये जो हमारे पास ये है, इसकी जो इंटरनल स्पेसिंग है, बट एनी हाउ आई थिंक इट्स ओके। अगर आपने सही एग्जैक्टली यूज़ करना है तो आप जो मेन हम यूज़ किया है वहाँ पर पेडिंग, इसमें इंटरनल पेडिंग नहीं है, देखते हैं कि इसमें इंटरनल पेडिंग है या नहीं। मैक्सिमम लाइन सो ये हमारा था स्प्लैश स्क्रीन। तो यहाँ तक हमारा जो फर्स्ट मेन स्प्लैश स्क्रीन था वो बन चुका है। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम फिर स्टार्ट करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट स्क्रीन होगा वो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं, और अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम अपने जो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, जो नेक्स्ट स्क्रीन है, उसकी तरफ हम जाते हैं। सो आई होप सो कि कोई क्वेश्चन नहीं है, सो दैट्स व्हाई हम करते हैं एक 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं छोटा सा, एंड देन उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ये वाला सेक्शन, सही है। एंड ये दोनों सेक्शन हम डायरेक्टली डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि अगर इन सेक्शन में आप लोग देख लें, डिज़ाइन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है दोनों सेक्शंस का, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अभी छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा से आएंगे, तो ये डिज़ाइन हम बनाएंगे, सही है। तो हम जस्ट लेते हैं 10 मिनट्स का ब्रेक, अभी 12:26 है, तो 12:35 हम दोबारा स्टार्ट करते हैं, एंड अनटिल देन मैं इसको पॉज कर लेता हूँ। ओके सो वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। यहाँ तक हम अपना फर्स्ट जो मेन स्क्रीन है वो स्प्लैश स्क्रीन बना चुके हैं, अब हमने आगे बढ़ना है जो नेक्स्ट जो हमारे दूसरे स्क्रीन हैं उनकी तरफ, सही। सो लेट मी फर्स्ट क्लोज दीज थिंग्स ओवर हियर। इस स्क्रीन पे एक्चुअली मैंने थोड़ा टाइम लिया है ताकि मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को डिफाइन कर सकूँ, फोन्स की चीज़ें, फोन्स हो गई, यहाँ पर इमेजेस हो गए हैं, एसेट से ऐड करना, फोन से ऐड करना, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली, सही है। अभी हमने थोड़ा सा स्पीड अप करना है अपने प्रोसेस को, एंड जो हमारे पास जो दूसरे स्क्रीन रहते हैं उसको अभी हम बनाएंगे। सो द फर्स्ट स्क्रीन इज दिस वन, सी एस सी कनेक्ट एंड रजिस्टर, रजिस्टर स्क्रीन एंड लॉग इन स्क्रीन। तो ये दोनों स्क्रीन अभी हमने बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करता हूँ, इसका जो बैक का जो कलर है वो मैं उठाता हूँ यहाँ से, स्केफोल्ड कलर जो है, एंड यहाँ पे मैं कलर्स में डाल देता हूँ। सो फाइनल स्केफोल्ड बीजी कलर, मतलब बैकग्राउंड कलर, कलर 0xff, एंड क्योंकि हमने ओपेसिटी उसकी फुल रखनी है, सॉरी ओपेसिटी उसकी जीरो रखनी है, तो मतलब ओपेसिटी हमने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। तो कलर तो हमने ले लिया है, अभी हमने करना है ये हमारे पास स्प्लैश स्क्रीन था, मैं यहाँ पर आके इस फोल्डर में
स्क्रीन्स के फोल्डर में एक और फाइल बनाता हूँ. ओके सो हियर डार्ट फाइल एंड उसको मैं नाम देता हूँ लॉगिन स्क्रीन. ओके सो दिस इज लॉगिन स्क्रीन नाउ. So scaffold का हम background color change कर सकते हैं. So background color and यहाँ पर हमने दिया था, वहाँ पे हमने color define किया है scaffold background color का, सही है? So scaffold को हमने background color दिया है and then now we are going ahead to the body section. अब body section में हमने बनाना है body. So we'll be using a column because children okay. So ye tha hamara first splash screen and now main kya karta hu yahan par, first of all main connect karta hu yahan par abhi login screen. सही एंड इसको मैं रिस्टार्ट करता हूँ तो मेरा लॉगिन स्क्रीन आ जाएगा यहाँ पर, सही है? एंड इसके बाद हम जो स्क्रीन्स हैं इन स्क्रीन्स को हम आपस में कनेक्ट करेंगे और वहाँ पर हम वो नेविगेशन की जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे साथ साथ. सो स्प्लैश स्क्रीन इज डन नाउ फॉर नाउ एंड देन हम यहाँ पर अभी थोड़ा सा यूआई को देखते हैं और उसके बाद हम यूआई को स्टार्ट करते हैं. ओके सो अभी हमने ये सेक्शन बनाया है, सही है? तो अब ये देखेंगे ये हमारे पास ये जो हेडर का सेक्शन है, ये सेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये इसको मैं नाम देता हूँ हेडर सेक्शन, इसको फिर मैं नाम देता हूँ फॉर्म एंड इसको लॉगिन बटन एंड ये हमारे पास फिर दूसरा जो सेक्शन है वो हो गया है. तो स्टार्ट करता हूँ इससे हेडर सेक्शन से. तो इसमें हमने बनाना है एक हेडर सेक्शन है, सही है, दूसरा लॉगिन फॉर्म है एंड तीसरा हमारे पास लॉगिन बटन है, सही है? एंड फिर हमारे पास है रजिस्टर का जो टेक्स्ट है, रजिस्टर टेक्स्ट. तो मैं स्टार्ट करता हूँ हेडर सेक्शन से. हेडर सेक्शन में आप लोग देख लें, अब इसका जो हेडर है ये हेडर और ये दोनों हेडर बिल्कुल एक्जेक्टली सेम है, सही है? तो मैं एक हेडर बना के फिर मैं दोनों में यूज करूंगा उस हेडर को, सही है? सो फॉर टाइमिंग में यहाँ पे बनाता हूँ ये एक रो होगा. अच्छा रो बनाने से पहले यहाँ पर मैं इनकी जो साइजिंग है ये कॉलम जो है कॉलम की जो पैडिंग वगैरह है उसको मैं इधर चेक करता हूँ. अगर आप लोग यहाँ पर देख लें पूरे स्क्रीन को एग्जैक्टली सेम पैडिंग वगैरह मिली हुई है लेफ्ट एंड राइट पर, ये देखें इसको जो तकरीबन सेम पैडिंग मिली हुई है 17 पैडिंग इसको भी लेफ्ट से है 17 इसको भी है एंड राइट से भी इसको 17 है इसको भी 17 मिली हुई है राइट से. अब टॉप से कितनी पैडिंग मिली स्पेसिंग है 38. अब बॉटम से बॉटम को हम फॉर टाइमिंग डिफाइन नहीं करते, बॉटम को हम फ्लेक्सिबली जोड़ देते हैं, सही है? क्योंकि हमें स्क्रीन का साइज का नहीं पता, सही है? तो इस वजह से अगर यहाँ पे बॉटम से पैडिंग लूंगा मैं तो अगर छोटे साइज के फोन पे ये ऐप चलेगा तो वहाँ पे ओवरफ्लो हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई टॉप की पैडिंग हम इसको देते हैं एंड बॉटम की पैडिंग हम इसको फ्लेक्सिबल कर देते हैं कि जितनी स्पेसिंग होगी तो उसके मुताबिक अपने आप को खुद एडजस्ट करेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कॉलम है ये कॉलम इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ. तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ पेडिंग एंड पेडिंग में डॉट ओनली या आप इसको एक और कंस्ट्रक्टर है लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम फ्रॉम लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम. सो लेफ्ट से इसको मैं करता हूँ 17 टॉप से कितनी है इसकी पेडिंग टॉप से पेडिंग है 38 है एंड देन राइट से भी हमारे पास 17 है एंड बॉटम से फॉर टाइमिंग इसको मैं जीरो कर देता हूँ. सो ये हमारे पास होगी इसकी पेडिंग एंड देन मैं हेडर सेक्शन में आके यहाँ पर एक रो बनाना है मैंने रो चिल्ड्रन एंड ओके. सो इसमें हमारे पास एक क्या है कनेक्ट का लोगो है, सही है? सीएससी कनेक्ट का लोगो है एक और दूसरा हमारे पास क्या है टेक्स्ट है, सही है?
या स्क्रीन नेम का जो टेक्स्ट है, सही। सो ये दो एरियाज हैं हमारे पास इस रो के अंदर, सही। तो लोगों का मैं ये करता हूँ, इसको मैं दोबारा से रीडिजाइन नहीं करता। अगर आपने एक ऐप बनाना है तो बेहतर तरीका ये है कि आप इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करें और इसको मतलब मल्टीपल जगहों पे आप यूज कर सकते हैं, सही है। तो मैं इसी जो ये जो लोगो मैंने एक्सपोर्ट किया था लास्ट टाइम, उसी को मैं यहाँ पर यूज करूंगा और यहाँ पर ये देखें मल्टीपल जगहों पर यूज हुआ है। अब इसको कस्टम डिजाइन करना तो ये बेहतर अप्रोच नहीं है, मतलब काफी टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने देखा था कि हमने काफी टाइम दिया है इसको डिजाइन करने में। सो दैट्स व्हाई वो जस्ट मैंने इस वजह से किया था कि आपको थोड़ी सी समझ आ जाए, थोड़ी सी चीजें और भी क्लियर हो जाए, हमारी जो प्रैक्टिस है वो थोड़ी और ज्यादा हो जाए। सो दैट्स व्हाई आई डिड दैट। सो नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज, जो यहाँ पर मैंने एक्सपोर्ट किया था ये लोगो, इसी को मैं यूज करता हूँ दोबारा से। इसको मैं करता हूँ CSV कनेक्ट लोगो, सही। एंड मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इमेजेस के सेक्शन के अंदर। सो एसेट्स स्लैश इमेजेस यहाँ पे इसको मैं डाल देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर हमने इमेज यूज करना है, इमेज, एंड इमेज में इमेज होगा एसेट इमेज, एसेट इमेज में हमें इसका URL देना है, तो राइट क्लिक एंड कॉपी पाथ रूट, रूट से कॉपी करके हम यहाँ पे डाल देते हैं। सो यहाँ पे हमारा हो गया इमेज। अब इसका हमने साइज रखना है, तो हाइट एंड विड्थ रखनी है इसकी, तो हाइट अभी देखते हैं वहाँ पे कितनी है, विड्थ कितनी है, एंड फिटिंग आपने इसकी रखनी है बॉक्स फिट डॉट कंटेन, क्योंकि हम नहीं चाहते कि लोगों का कोई सेक्शन स्किप हो जाए या लोगों का कोई सेक्शन क्रॉप हो जाए। तो दैट्स वाई आपने हम यहाँ पे इसको बॉक्स फिट डॉट कंटेन रखते हैं, कि मतलब जितना एरिया है उसके अंदर पूरा हमारे पास ये आ जाए। सो हाइट एंड विड्थ हम यहाँ से चेक करते हैं कि हाइट एंड विड्थ की कितनी है, हाइट 45 एंड विड्थ 127, सो हाइट 45 एंड विड्थ 147, सो लोगों यहाँ पे आना तो चाहिए बट अभी तक नहीं आया, वो कह रहा है कि अनेबल टू लोड एसेट। सो ये मसला आता है कि जब आप एसेट ऐड करते हैं तो बास टाइम इशू आता है, तो उसके लिए इसको हम रिस्टार्ट करते हैं, जब रिस्टार्ट से भी मतलब हॉट रिस्टार्ट करते हैं, तो हॉट रिस्टार्ट से भी अगर मसला रिजॉल्व नहीं हुआ तो इसको क्लोज करके दोबारा से रीबिल्ड करेंगे, तो स्टिल वो इशू कर रहा है कि आपका ये लोगो नहीं उठा रहा, तो उसके लिए क्लोज करना पड़ेगा एंड रिस्टार्ट करना पड़ेगा दोबारा से, सही है, हमारे एप्लीकेशन को। सो रिस्टार्ट कर दिया है उसको, जब तक ये रिस्टार्ट होता है उस टाइम तक हम अपना जो बाकी जो दूसरा जो सेक्शन है वो डिजाइन करते हैं। उसके बाद हमारे पास ये सॉरी ये लॉगिन का टेक्स्ट है। अब लॉगिन में आप लोग देख लें इसका साइज कितना है, ये पॉपिन है, बोल्ड है, 25 है, तो इसको हम ये फॉन्ट हम यहाँ से डिफाइन यहाँ पर ये डिफाइन कर रखते हैं, सही है। अच्छा कलर्स में नहीं था, ये था हमारे पास कोर में कॉन्स्टेंट्स, एंड कॉन्स्टेंट्स में स्ट्रिंग भी नहीं टेक्सटाइल्स के अंदर था। अच्छा अब अगर आप लोग देख लें इसका कलर जो है वो कलर चेंज है, फॉन्ट साइज भी चेंज है, बोल्ड है ना, तो ये देखें ये जो ब्लू टेक्स्ट है इसको मैं दोबारा से यूज कर सकता हूँ, सही है। अब ये देखें इसको मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, बोल्ड मैं एक और स्टाइल बनाता हूँ, फाइनल रेगुलर इसको मैं कर देता हूँ ग्रे, ग्रे बोल्ड टेक्स्ट स्टाइल, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, सही है, बोल्ड ब्लू टेक्स्ट स्टाइल डॉट कॉपी विद का जो कंस्ट्रक्टर है ना वो आप यूज कर सकते हैं इनके साथ। तो कॉपी विद में क्या होगा, इसमें जो चीजें आप चेंज करना चाहते हैं, सही है। अब ये देखें अब वो भी ये टेक्स्ट भी हमारे पास बोल्ड है, ये भी बोल्ड है और पॉपिंस हैं, तो ये दोनों पैरामीटर्स सेम है। अब इसका हमने जस्ट एक चीज चेंज करना है, वो है टेक्स्ट कलर, जो टेक्स्ट कलर है ना ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये यहाँ पे ये टेक्स्ट कलर डिफाइन करता हूँ, डार्क ब्लैक टेक्स्ट या डार्क ब्लैक नहीं डार्क ग्रे कलर कर रहा हूँ उसको मैं, एंड यहाँ पर मैं ये कलर डिफाइन करता हूँ, सही है। सो ये डार्क ग्रे कलर आ गया है, तो अभी हमने इस स्टाइल में क्या चेंज करना है, पॉपिंग हमने वही रखना है जैसे इसका फॉन्ट साइज चेंज करना है, एंड
इसका कलर हमने चेंज करना है. सो दैट्स व्हाई. सो एनी हाउ अभी हम यहाँ पर आते हैं और बाकी चीजें हमने वही छोड़ दी हैं, तो आपकी कॉपी भी कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं. तो मैंने इसका जस्ट फॉन्ट साइज चेंज करना था. फॉन्ट साइज फॉन्ट वेट हमने वही रखना है फॉन्ट साइज. तो फॉन्ट साइज का हो जाएगा 25 एंड कलर इसका हमने रखना है डार्क ग्रे कलर. सही है. सो मेरा मतलब ये है कि आपने एक फॉन्ट डिफाइन किया हुआ है तो उसी फॉन्ट को आप बार बार दोबारा फॉन्ट फैमिली लगाने की भी जरूरत नहीं है उसमें. बट आप जस्ट ये जो एक पैरेंट फॉन्ट बना के उस पैरेंट फॉन्ट को आप मल्टीपल जगह पे उसको जस्ट कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं. सही है. इससे ये होता है ना कि लेट्स सपोज कल को आपने ये फॉन्ट कम्प्लीटली चेंज करना है, ये फॉन्ट पॉपिन से चेंज करके लेट्स सपोज आपने कोई और फॉन्ट यूज करना है. सही है. तो आपने जस्ट इस एक लोकेशन पे चेंज करना होगा तो बाकी सारे जगहों पे वो फॉन्ट ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा क्योंकि हम इसी फॉन्ट को एज अ पैरेंट फॉन्ट यूज कर रहे हैं. सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट एज वेल. नाउ हम यहाँ पर आते हैं. हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट विजिट है एंड टेक्स्ट विजिट का टेक्स्ट क्या है, लॉग इन लॉग एंड इन. एंड यहाँ पे इसका स्टाइल क्या होगा, जो भी हमने टेक्स्ट स्टाइल बनाया है उसका नाम क्या है, रेगुलर ब्लैक टेक्स्ट स्टाइल. रेगुलर ब्लैक तो नहीं था, एक मिनट तो सही करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट वॉज नॉट रेगुलर ग्रे बोल्ड टेक्स्ट स्टाइल. इसको इंपोर्ट करते हैं. सही है. अब इसमें जो नेक्स्ट है वो ये है कि इन दोनों के दरमियान हमने स्पेसिंग देनी है. तो स्पेसिंग के लिए क्या कर सकते हैं, जितनी स्पेसिंग हमारे पास मौजूद है तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन. सही है. तो हमारे पास वो स्पेसिंग बिल्कुल एग्जैक्टली आ गई है. ओके. अगर आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास फिर डिबग का बैनर भी आ रहा है. तो अगर आप चाहते हैं कि ये डिबग का बैनर आपके पास ना आए तो आप इसको जो है ना आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं. यहाँ पर देखें डिबग बैनर शो चेक, इसको आप फॉल्स कर रहे हैं, इसको हम रिस्टार्ट करते हैं तो ये डिबग का बैनर है, ये रिमूव हो जाएगा. सही है. अगर आपको डिजाइन में कुछ मसला आ रहा है डिजाइन बनाने में तो आप इसको इस तरह रिमूव कर सकते हैं. आई थिंक यहाँ पर जो मैंने पेडिंग दी थी, जो लॉगिन स्क्रीन है यहाँ पर टॉप की पेडिंग कितनी है, लेफ्ट टॉप 38 लुक्स लाइक स्मॉलर. ओके. सो जो टॉप का बैनर है ये हमारे पास बन गया है, हेडर का जो सेक्शन था. सही. अब ये हेडर का जो सेक्शन है ये आप अगर देख लें, ये जो नेक्स्ट स्क्रीन है इस स्क्रीन में, तो इस स्क्रीन में भी ये है, यही सेम हेडर का सेक्शन यूज हो रहा है बट यहाँ पर जस्ट ये टेक्स्ट चेंज है. सही है. तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कस्टम विजिट कर देता हूँ. इसको मैं यहाँ से उठा के कस्टम विजिट बनाता हूँ इससे. सही है. यहाँ पर स्क्रीन से तो यूआई के सेक्शन में आपने एक और फोल्डर रखना है जिसको आप नाम दे सकते हैं कस्टम विजिट्स का. सही है. जिसमें जो मतलब जो विजिट्स हम बार बार यूज करते हैं आप इसको कस्टम विजिट्स या ग्लोबल विजिट्स भी बोल सकते हैं, जो आप देना चाहें ना. बट मैं पर्सनली कस्टम विजिट्स यूज करता हूं, तो अगर आप यूज करना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं. सही है. ओके. कस्टम हेडर कर देता हूं इसको मैं, कस्टम हेडर एंड यहां पे स्टेटलेस विजिट बनाता हूं. कस्टम हेडर बोर्ड मटेरियल. ओके. सो ये हमारे पास था. ओके. यहाँ से हमने रिटर्न करना है ये. सही है. ये सारे फाइल्स हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं. ओके. तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि जो लॉगिन का टेक्स्ट है इसको मैं डायनामिक कर देता हूँ. तो फाइनल इसको मैं कर देता हूँ टेक्स्ट और ये मैं कंस्ट्रक्टर में इसको पास करूंगा. सही है.
कस्टम हेडर एंड इसको मैं दिस डॉट है, सही है। मैं जरा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है, वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पर ये जो ऊपर टेक्स्ट था उसको मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, नॉर्मल टेक्स्ट, सही। एंड यहाँ पर मैं अभी क्या करता हूँ, कस्टम हेडर और टेक्स्ट में इसको देता हूँ लॉग इन। ये एक बेहतर तरीका है, इससे आपका कोड भी काफी ऑप्टिमाइज हो जाता है। अब ये देखें, ये पूरे स्क्रीन पे अब इससे कोड जो हमारा है ना, ये काफी ज्यादा रीडेबल हो जाता है। सो दैट्स व्हाई बेहतर ये क्या सर यूज करें, सही है। अब हमारे पास जो दूसरा सेक्शन है वो है लॉग इन फॉर्म का, सही। सो अभी हमने यूज करना है लॉग इन फॉर्म। अच्छा, अगर लॉग इन फॉर्म में आप लोग देख लें तो इसमें जो आपके पास एक वाइड एरिया नजर आ रहा है, तो एक तरीका तो ये है कि आप कंटेनर लेके आप ये एरिया खुद बनाए, सही है। ये जो कस्टम डिजाइन है ये खुद बनाए, सही है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है एक कार्ड का विजिट, हमारे पास मौजूद होता है कार्ड का विजिट भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, सही है। सो हम स्टार्ट लेते हैं कार्ड के विजिट से। अगर कार्ड का विजिट प्रॉपर ना हुआ और हमारा काम देखते हैं, अगर वो हमारा काम सही कर रहा है तो सही, अदरवाइज हम दोबारा से कोई और कर सकते, कोई और काम कर सकते हैं फिर यहाँ पर। हम डायरेक्टली फिर अगर कार्ड का विजिट से काम ना चला और डिजाइन सही ना आ रहा हुआ तो फिर हम दोबारा कंटेनर से इसको बनाएंगे, कंटेनर से ये एरिया खुद बनाएंगे जो बैकग्राउंड पे नजर आ रहा है, व्हाइट एरिया जो है। सो दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कार्ड के विजिट से, सही है। कार्ड का विजिट आपके पास ऑलरेडी जो है ना कि बिल्ट इन विजिट होता है, अगर आपने इसको चेक करना है तो हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। लेटर कार्ड, जो कार्ड का जो वो है देखते हैं यहाँ पर, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स भी मौजूद होगी। तो अगर किसी पॉइंट पे अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप यहाँ से देख सकते हैं उसको, सही। तो ये हमारे पास अभी एक कार्ड है, ये देखें, अब ये जो आपको नजर आ रहा है ये कार्ड होता है, सही। बट आई डोंट नो कि ये हमारा काम करेगा, क्योंकि इसमें ये देखें ये 3D टाइप शेप का बना हुआ है और हमें कुछ 3D टाइप का शेप नहीं चाहिए। इसको जो 3D शेप मिला हुआ है वो कुछ ज़्यादा है, तो चलें इसको यूज़ करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर काम ना कर रहा हुआ तो फिर हम इसको चेंज कर सकते हैं, सही। तो मैं भी यहाँ पर क्या यूज़ करता हूँ, कार्ड का विजिट यूज़ करता हूँ एंड कार्ड के चिल्ड्रन में। अब हमारे पास क्या होगा, एक कॉलम होगा और कॉलम में हमारे पास क्या होंगे, टेक्स्ट इनपुट एरियाज होंगे, सही है। इसमें देखें हमारे पास दो टेक्स्ट इनपुट एरियाज हैं, एक लॉगिन एक ईमेल के लिए है और एक दूसरा पासवर्ड के लिए है। तो चिल्ड्रन में हमारे पास है ईमेल टेक्स्ट फील्ड होगा एक, एंड दूसरा होगा पासवर्ड, तो अभी हमने यहाँ पर ये दोनों टेक्स्ट फील्ड्स डिफाइन करने हैं, सही। इसको सेव करते हैं, देखते हैं हमारे पास कार्ड का व्यू तो अभी तक नहीं आया होगा। अच्छा, अब हम आते हैं टेक्स्ट फील्ड की तरफ, टेक्स्ट फील्ड को अभी तक हमने यूज नहीं किया था, तो अभी हम यूज करेंगे टेक्स्ट फील्ड का व्यू, सही है। टेक्स्ट फील्ड, ओके, मैं सेव करता हूँ इसको। ये देखें अभी आपके पास यहाँ पर ये टेक्स्ट फील्ड का व्यू आ रहा है। अब ये टेक्स्ट फील्ड के विजिट के अंदर एक आपके पास वो आ रहा है, हम देखते हैं कार्ड में हमारे पास पेडिंग वगैरह मौजूद है या नहीं है। ओके, कार्ड सही काम नहीं करेगा तो कार्ड को हम चेंज करते हैं कंटेनर से, सही है। कंटेनर इज अ बेटर ऑप्शन राइट नाउ ओवर हियर, कंटेनर। एंड उसका बैकग्राउंड कलर हम करते हैं व्हाइट, सही। अब ये भी एक कंटेनर है, कंटेनर को हम करते हैं एक मिनट, इसको थोड़ी स्पेसिंग देते हैं टॉप से, साइज बॉक्स हाइट,
और इसको पेडिंग देते हैं क्योंकि इस एरिया में इसको पेडिंग मिली हुई है, सही है। हम देखते हैं इसको कितनी पेडिंग मिली है, तो उसकी पेडिंग हम देते हैं लेफ्ट हैंड राइट से। ये हमारे पास ये विजिट है, तो ये देखें इसको 17 लेफ्ट से मिली है 17 पेडिंग, एंड इसी तरह टॉप से भी कुछ पेडिंग मिली हुई है। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेडिंग देते हैं लेफ्ट राइट से पेडिंग दे देते हैं, बाकी जो एरियाज हैं उसको हम नहीं देते हैं। सो इसको पेडिंग देते हैं इंसेट्स डॉट ओनली एंड लेफ्ट से इसको पेडिंग देते हैं 17। ओके अभी जब हम टाइप करेंगे यहां पर देखें तो हमारे पास वो टाइप हो रहा है, सही है। अच्छा अभी यहाँ पर तो हमने ये टेक्स्ट फील्ड एक ऐड कर दिया है, हमने जस्ट एक डमी टेक्स्ट फील्ड ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब टेक्स्ट फील्ड का जो सेक्शन है उसमें हमारे पास दो सारी चीज़ें हैं, सही है। फोकस नोड है, इनपुट टाइप है, टेक्स्ट स्टाइल है, स्टाइल स्टाइल स्टाइल। ओके अभी हमने करना ये है कि यहाँ पर जो टेक्स्ट फील्ड है इसकी हमने स्टाइलिंग करनी है, और इसकी स्टाइलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो राइट नाउ स्टार्ट करते हैं स्टाइलिंग से इसकी। तो अगर आपने टेक्स्ट फील्ड को स्टाइल देना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं डेकोरेशन, सही है। और यहाँ पर जो इनपुट पैरामीटर होगा इसका, तो वो हमारे पास होगा इनपुट डेकोरेशन, सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, यहाँ पे जो नीचे लाइन नजर आ रहा है आपको, ये लाइन हमने हटाना है, सही है। सो इसको आप कैसे हटा सकते हैं, यहाँ पर हम दे सकते हैं इसको बॉर्डर border dot none, I think this is input border none, जब इसको none कर देते हैं तो ये border यहाँ से remove हो जाएगा, सही है। So first of all हमने क्या किया है, वहां से हमने border remove कर दिया है। अब जो next है यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पर हमें एक icon नजर आ रहा है, सही है। यहाँ पर हमें एक icon नजर आ रहा है start में, and इसके बाद हमें यहाँ पर top पे ये email का जो section है ये नजर आ रहा है। तो ये सारी इसमें ऑलरेडी मौजूद है टेक्स्ट फील्ड का जो विजिट है, सही है। टेक्स्ट फील्ड के यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक वो होता है लीडिंग का सेक्शन है हमारे पास इनपुट डेकोरेशन में, ओके प्रीफिक्स आइकन है मेरा में, ओके। सो आप यहाँ पे इसमें एक प्रीफिक्स आइकन भी एड कर सकते हैं, प्रीफिक्स मतलब स्टार्ट में जो आइकन आएगा। तो राइट नाउ मैं यहां पर एक आइकन ऐड करता हूं, आइकन्स डॉट पर्सन, देखते हैं कि मेरे पर्सन को ये आइकन अवेलेबल है। ओके आइकन डॉट पर्सन, ओके यहां पे हम डायरेक्टली आइकन नहीं देंगे, यहां पे इसको एक विजिट चाहिए होगा। सो दैट्स व्हाई आइकॉन icons dot person, ओके। सो आप यहां पर देखिए यहां पे वो स्टार्ट का जो आइकन है आपके पास आ रहा है, सही है। सो हमने यहां पर आइकन भी एड कर दी है। अब जो नेक्स्ट चीज है वो है हमारे पास ऊपर टॉप पे जो हमें एक वो सेक्शन नजर आता है जिसको हम बोलते हैं, ये भी ऑलरेडी आपके पास में मौजूद होता है, हिंट नहीं, हिंट टेक्स्ट नहीं है, एक मिनट लेट मी फाइंड आउट कि वो कौन सा टेक्स्ट होता है, लेबल टेक्स्ट उसको हम बोलते हैं, सही है। अच्छा अब अगर आपने डिटेल देखनी है तो आपके पास यहाँ पर सारी डिटेल्स आ रही होती है कि टेक्स्ट देयर डिस्क्राइब द इनपुट फील्ड व्हेन इनपुट फील्ड इज एम्प्टी अनफोकस्ड द लेबल इज डिस्प्लेड ऑन द टॉप ऑफ द इनपुट फील्ड, ओके। अच्छा ये कौन सा है, हिंट टेक्स्ट है, ये आपके पास जस्ट उसके अंदर आ रहा होता है। एरर टेक्स्ट है फिर हमारे पास कॉन्टेक्स्ट अबाउट इनपुट डेकोरेटर, इफ नन नल द टेक्स्ट इज डिस्प्लेड बिलो द इनपुट डेकोरेटर, ओके। काउंटर टेक्स्ट, ओके। सो ये जितनी भी चीजें हैं ये हमें अभी हमारा प्रॉपर काम नहीं करेगी, क्योंकि लेट सपोज मैं अभी यहां पर यूज करता हूँ, लेट सपोज ये हेल्पर टेक्स्ट है, हेल्पर टेक्स्ट ही यूज करते हैं, इसको मैं हेल्पर टेक्स्ट देता हूँ लेट सपोज ईमेल, सही है।
sorry, helper text on niche aa raha hai. Okay, text. एक हमारे पास है हिंट टेक्स्ट, लेबल टेक्स्ट, सॉरी लेबल टेक्स्ट जो है वो टॉप पे आता है. सो लेबल टेक्स्ट को मैं देता हूं ईमेल. अब ये देखिए वो बिल्कुल टॉप पे आ रहा है. बट इसको हम जब ये सपोज को मैं डन करता हूं, तो इसको जब मैंने डन किया है तो ये देखें वो बिल्कुल टॉप पे आता है. सो आई थिंक इट वर्क्स फॉर अस. आई थिंक यही जो है इसको हम यूज कर सकते हैं, सही है. अच्छा, अगर आप लोग यहां पर देख लें, यहाँ पर जब ये सेलेक्टेड है इनके कलर चेंज हो रहे हैं हमारे पास, सही है. बट हमारा जो एक्चुअल डिजाइन है, डिजाइन में हमारे पास ये कलर्स मौजूद नहीं है. हम डिजाइन की तरफ आते हैं तो डिजाइन में हमारे पास जस्ट वो सेम आते हैं जिस तरह वहां पर है अभी. तो यहाँ पर ये टेक्स्ट देखें, ये टेक्स्ट चेंज नहीं हो रहा, सही है. ये टेक्स्ट एग्जैक्टली सेम कलर का है और ये जो आइकन है ये भी एग्जैक्टली सेम कलर का है, सही है. दोनों के कलर हमारे पास चेंज नहीं हो रहा है जब उसको हम सेलेक्ट करते हैं. तो इसको भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को, सही है. तो इस प्रॉपर्टी को भी हम मॉडिफाई करते हैं अभी, सही है. अच्छा, अगर आप लोग टेक्सटाइल में आ जाए यहाँ पर, ओके स्टाइल, तो स्टाइल में आप लोग देख लें ये आपके पास मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पर मौजूद है. ये देखें आपके पास जो ओके लेबल टेक्सटाइल है, लेबल टेक्सटाइल जो है उसको आप चेंज कर सकते हैं, सही है. और उसके बाद आपके पास जो प्रीफिक्स आ रहा है, अभी हमने यहाँ पर लेबल टेक्स्ट यूज किया हुआ है तो हम ये लेबल जो टेक्सटाइल है इसको हम चेंज कर सकते हैं, सही है. अच्छा, सिलेक्टेड, ओके एक मिनट, इसमें एक है एक्टिव, ओके मेरे से नेगेटिव नहीं आ रहा. बट एनी हाउ फॉर टाइमिंग हम इसको इस तरह छोड़ लेते हैं. बट अदरवाइज आप इसको चेंज कर सकते हैं. ये जो टेक्स्ट है ना, जो यहाँ पर ये दोनों के टेक्स्ट आप इसको चेंज कर सकते हैं. चलिए इसको मैं थोड़ा सा रिसर्च करके इसको मैं फाइंड आउट करके मैं फिर इसको दोबारा शेयर कर देता हूँ, सही है. तो हम यहाँ पर अपना टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं. सो इसमें आपके पास एक लेबल टेक्स्ट था, एक हमारे पास दूसरा है हिंट टेक्स्ट, सही है. अब हिंट टेक्स्ट क्या काम करता है, लेट्स सपोज मैं करता हूं यूजर नेम एट डोमेन डॉट कॉम. ये जब ये जस्ट आपको हेल्प आउट करता है. ये देखें, ये देखने आपके पास ये नीचे आ रहा होता है कि आपने मतलब किस तरह अपना ईमेल एंटर करना है यहाँ पर, सही है. जब हम यहाँ पर राइटिंग स्टार्ट करते हैं तो ये फिर रिमूव हो जाता है, सही है. ये जस्ट बताने के लिए होता है कि आपका आपका टेक्स्ट किस तरह आएगा, सही है. अब ये देखें वो हैंड दे रहा होता है कि आपने तो ये हमारे पास हैंड टेक्स्ट का सेक्शन भी इसमें है. तो अगर आपको किसी टाइम पे इसको यूज करना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं. तो यहाँ तक हमने अपना फर्स्ट वो बना दिया है, ईमेल का जो सेक्शन फर्स्ट जो टेक्स्ट फील्ड था उसको हमने बना दिया है. अच्छा, लेकिन अभी बात इसमें ये है कि यहाँ पर अगर हम इस डिजाइन में देख लें तो इसमें हमारे पास दो है, एक ये सेक्शन है, एक हमारे पास ये टेक्स्ट फील्ड है, सही है. तो एक तरीका तो ये है कि हम इसको दोबारा से यहाँ पर इसी को कॉपी पेस्ट करें नीचे, इसी को कॉपी पेस्ट कर लें, हाँ इसी को भी कॉपी पेस्ट कर लेंगे, सही है. तो हमारा हमारे पास वो ईमेल का सेक्शन था, सही. इसमें कुछ और भी फील्ड्स हैं उसका मैं अभी अभी डिस्कस नहीं करता, चलें थोड़ी देर बाद फिर आपको मैं बताता हूँ जब इसका यूज आएगा, यूज केस आएगा, सही है. एंड आइकन्स में मैं क्या कर देता हूँ, आइकन्स डॉट लॉक का कोई आइकन यूज कर लेते हैं. ओके, सो लेट इट लोड. सही है, लॉक अंडरस्कोर ओपन यूज करते हैं, सही. अगर आपने फिर अब इन आइकन्स को आप फिर बाद में चेंज भी कर सकते हैं, अगर आपका यूज केस है तो उसके मुताबिक आप इसको चेंज कर सकते हैं. बट फॉर नाउ हम इसको इस तरह यूज करते हैं. तो ये हमारे पास ईमेल का सेक्शन, पासवर्ड का सेक्शन भी बन गया है इसमें. एंड नाउ ऑफर डेट, ईमेल एंड पासवर्ड का सेक्शन भी बन गया है. अभी यहाँ पर हमने कुछ और कस्टमाइजेशन करनी है. अब यहाँ पर देखें
ये जो पासवर्ड आपका है वो शो नहीं होता, तो उसको आप किस तरह कर सकते हैं, उसको किस तरह यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, सही है। तो इसमें हमारे पास एक पैरामीटर होता है ऑब्स्क्योर टेक्स्ट। तो ऑब्स्क्योर टेक्स्ट को जब आप ट्रू करते हैं तो ये क्या करता है, आपका आपका जो टेक्स्ट है ना उसको ऑब्स्क्योर कर देता है, मतलब आपको शो नहीं होता यहाँ पर जब आप टाइप करते हैं। ये देखें, इसको जब मैं टाइप करता हूँ तो वो उसको ऑब्स्क्योर कर रहा है, सही है। तो इसको आप इस तरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। कुछ और चीज़ें हैं वो मैं जब हम साइन अप का सेक्शन बनाएंगे तो उसमें मैं डिस्कस कर दूंगा, बट एनी हाउ राइट नाउ दैट्स एनफ फॉर इट। सो ईमेल का सेक्शन हमारे पास रेडी है, बट अब इसमें और भी अभी भी थोड़ा सा काम है। ये जो बाकी ये जो हमें यहाँ पर ये जो कंटेनर नजर आ रहा है इसको हमने एडजस्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेफ्ट से पेजिंग थोड़ी ज़्यादा लग रही है मुझे, इसको हम टेन कर देते हैं, क्योंकि जो टेक्स्ट फील्ड है उसकी अपनी भी कुछ इंटरनल पेडिंग होती है, इंटरनल मार्जिन होती है। तो अच्छा, अब अगर आप लोग इस डिज़ाइन में देख लें तो जो कंटेनर पीछे पीछे यूज़ हुआ है इसको ये देखें, बॉर्डर यहाँ पे कुछ उसको ये शेडो मिला हुआ है तो उसको हम शेडो देते हैं, सही है, बॉक्स शेडो। तो इसकी जो डेकोरेशन है इसको हम चेंज करेंगे, सही है, बॉक्स डेकोरेशन, सॉरी डेकोरेशन बॉक्स डेकोरेशन, अगर जब आप बॉक्स डेकोरेशन यूज करेंगे फिर आप कलर यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, उसी के अंदर यूज करेंगे, सही है। अच्छा, इसको कुछ शेडो मिला हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो बॉर्डर कॉर्नर्स हैं, बॉर्डर रेडियस जो है उसको हम इम्प्रूव करते हैं थोड़ा सा। बॉर्डर रेडियस की जो वैल्यू है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, सही है। ये जो डिज़ाइन है इसमें देखें, ये आपको बॉर्डर रेडियस का वो भी बता रहा है कि टॉप लेफ्ट एंड टॉप राइट पे कितनी बॉर्डर रेडियस है, 10 and 10 है, सही है। सो बॉर्डर रेडियस हम यहाँ पर दे सकते हैं, सो बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर एंड इसको हम 10 देंगे, सही है। तो मतलब सारे साइड्स पे आपके पास 10 का बॉर्डर रेडियस आ जाएगा, सही है। अभी बॉर्डर रेडियस आ गया है उसमें, उसके जो बॉर्डर हैं वो थोड़े राउंडेड हो गए हैं। एंड नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कि इसको हमने थोड़ा सा शेडो देना है, सही है। शेडो हम इसको दे सकते हैं, बॉक्स शेडो, सही है। बॉक्स शेडो, अच्छा बॉक्स शेडो में अब हम क्या कह देंगे इसको, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमने देना है कलर, कि बॉक्स शेडो का कलर क्या होगा, सही है। सो कलर हम डालते हैं, तो कलर डॉट ग्रे, ग्रे कलर डाल देते हैं, क्योंकि मोस्टली ग्रे ही होता है आपके पास जो बॉक्स शेडो होता है, सही है। बॉक्स शेडो इसमें हो गया है, अभी हमें रखना है इसका ऑफसेट, स्प्रेड रेडियस रख देते हैं इसको, मतलब कितने एरिया में ये स्प्रेड होगा, तो स्प्रेड रेडियस का हम रखते हैं 2। इसको साथ साथ हम चेक करते हैं ना, बट इसका स्प्रेड रेडियस हम कर देते हैं डॉट ग्रे, बट ग्रे की हम कोई डाउन क्वालिटी यूज करते हैं, ग्रे है एंड ग्रे में हम यूज करते हैं 500। ये थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, 500 है तो 300 यूज करते हैं, इसको चेक करते हैं, वो थोड़ा लाइट है, सही है। सो अब स्प्रेड रेडियस को हम थोड़ा ज़्यादा करते हैं, 10 करते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा स्प्रेड हो जाएंगे, सही है, स्प्रेड रेडियस। अभी इसमें एक और ऑप्शन है हमारे पास ब्लर रेडियस का, कि ब्लर रेडियस का कितना होगा, सो ब्लर रेडियस को हम कर देते हैं, इसको भी 10 करते हैं, इसको ब्लर आउट करते हैं, ये देखें। तो अभी आपके पास वो जो जो टेक्स्ट था, जो कलर था पीछे, वो काफ़ी ज़्यादा ब्लर हो गया है, बट अगर आप लोग देख लें इसका ब्लर रेडियस भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है एंड स्प्रेड रेडियस भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो स्प्रेड रेडियस को भी हम कम कर सकते हैं 5। अभी ये देखें, स्प्रेड रेडियस थोड़ा कम हो गया है एंड ब्लर रेडियस को भी 5 करने से कि दोनों सेम हो तो बेहतर आपके पास। चलें इसको स्प्रेड रेडियस को थोड़ा, ब्लर रेडियस भी 5 है, सही है। तो आपके पास ही अभी थोड़ा सा वो डिज़ाइन तक मैच कर रहा है, सही है। लेकिन अब इसमें एक और भी बात है, मैं ज़रा डिटेल में इस वजह से जा रहा हूँ कि आपको चीज़ों की सही समझ आ जाए। अच्छा, अब इसका देखें, आपके पास टॉप पे नहीं आ रहा, टॉप के टॉप पर आपके पास जो ब्लर है वो नहीं है, बल्कि वो बॉटम पे है, सही है। तो बॉटम पे किस तरह आएगा उसको हम देते हैं ऑफसेट, कि ऑफसेट इसका कितना होगा, सही है।
सो ऑफसेट इसका हम रखते हैं ऑफसेट डॉट, एक मिनट, ऑफसेट की वैल्यू मेरे से निकल गई है कि ऑफसेट हम किस तरह देते हैं. ओके लेट मी चेक इट आउट. बॉक्स शेडो लेटर, सही है. इसको हम यहां से चेक कर लेते हैं. जस्ट मैं ये वैल्यू देखना चाहता हूँ कि ऑफसेट की वैल्यू किस तरह की है. ओके सही. ऑफसेट, तो ऑफसेट में हमारे पास एक्चुअली होता है, सही है. अब ऑफसेट में हमारे पास दो होते हैं, इसमें एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस में कितना होगा, सही है. तो इसको मैं वाई एक्सिस में करता हूँ, वाई एक्सिस में इसको मैं 5 करता हूँ, एंड एक्सिस एक्स एक्सिस में इसको ये देखें डी ऑफ एक्स एंड डी ऑफ वाई, मतलब x एक्सिस में आपने इसको कितना लेके जाना है. एक मिनट, x एक्सिस में इसको 0 करते हैं एंड y एक्सिस में इसको मैं 5 करता हूं, तभी आपको इसको इसका डिफरेंस पता चल जाएगा. ऑफसेट में क्या होता है, मतलब आपने आपके पास जो बॉक्स शेडो है ना उसको आपने कितना नीचे लाना है या कितना आपने उसको लेफ्ट या राइट पे लेके जाना है, सही है. तो मैं चाहता था कि इसको मैं थोड़ा नीचे ले आऊं, तो ये देखें अब ऑफसेट उसको जब 5 दिया है ना तो टॉप से नीचे चला गया है. अब इसको मैं 0 0 करता हूं तो बिल्कुल ऊपर सही आ रहा है. अब इसको मैं 5 ऑफसेट देता हूं तो ये थोड़ा सा ऑफसेट इसका नीचे आ जाएगा, मतलब उसने उसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दिया है, सही है. ब्लर रेडियस को मैं स्टिल 10 रखता हूँ कि ब्लर रेडियस थोड़ा ज्यादा हो, और स्प्रेड रेडियस मैं स्टिल थोड़ा कम कर देता हूँ, इसको मैं रखता हूँ 3, सही है. तो तकरीबन तकरीबन अभी जो डिज़ाइन वहाँ पर था वो हमने एग्जैक्टली यहाँ पर बना दिया है. इसका मकसद था कि आपको ये जो पूरा प्रोसेस है इसकी समझ आ जाए, ये ब्लरिंग का और आप किस तरह इसको 3D टाइप शेप दे सकते हैं. अब ये हमारे पास जब इनिशियली ये बॉक्स शेडो हम अगर हटा देना इससे, ये मैं बॉक्स शेडो यहाँ से कॉमेंट आउट कर लेता हूँ तो वो जस्ट नॉर्मल लगता है. जब इसको मैं बॉक्स शेडो देता हूँ तो ये जो शेप है ये बिल्कुल 3D टाइप शेप बन जाता है. सो अगर आप उसको बॉक्स शेडो देंगे तो आपका जो शेप है विजेट का वो 3D टाइप बन जाएगा, थोड़ा पॉप आउट लगता है. सो ये हो गया है ये सेक्शन, एंड देन अभी हमने बनाना है ये बटन, ये बटन अभी हमने बनाना है. सो ये बटन अगर आप लोग देख लें तो डायरेक्टली बटन में हमारे पास ये आइकन नहीं होता, तो ये बटन बनाने के लिए हमें इस बटन को कस्टम बनाना पड़ेगा. और ये देखें इसको भी कुछ बॉक्स शेडो मिला हुआ है, सही है. तो इसको भी बॉक्स शेडो देना पड़ेगा. और ये बटन मल्टीपल जगह पे यूज है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, सही. और सेम ये कंटेनर भी है, ये देखें ये कंटेनर जो है ना यहाँ पर भी यूज हुआ है और ये कंटेनर यहाँ पर भी यूज हुआ है. तो मैं क्या करता हूँ, ये जो कंटेनर है ये कंटेनर, इस कंटेनर को मैं कस्टम कर देता हूँ. राइट नाउ मैं इसको यहाँ से उठा के कस्टम विजेट बनाता हूँ, सही है. इसको मैं यहाँ से उठाकर इसको मैं नाम देता हूँ फॉर्म कंटेनर, सही है. और ये कस्टम विजेट मैं भी बनाता हूँ, यहाँ पर एक कस्टम विजेट बना देता हूँ इसका फॉर्म कंटेनर. सो दिस इज हाउ फॉर्म कंटेनर शुड बी इम्पोर्ट मटीरियल. अच्छा फॉर्म कंटेनर एंड यहां से मैं रिटर्न करता हूँ ये जरूरी. एक्सक्यूज मी जी, We cannot make these custom container in one file, one dart file, and then call, or we have to create different file for different custom widget. बिल्कुल आप use कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप एक ही file में सारे custom widgets डाल दें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं. वो depend करता है कि आप कौन सा approach use करते हैं, but मैं जो personally use करता हूँ मैं हर एक widget different file बनाता हूँ. असल में जब आप डिफरेंट फाइल बनाते हैं तो उसको ऑर्गेनाइज करना ज़रा सिंपल हो जाता है. अगर आप एक ही फाइल में सारा कुछ डाल देते हैं तो उसको फिर ऑर्गेनाइज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. और अगर आपका मकसद ये है कि हमारे पास एक ही क्लास हो और क्लास के अंदर से हम यूज़ करें बार बार, तो आई थिंक बेहतर ये है कि आप डिफरेंट कस्टम विजिट के लिए डिफरेंट कस्टम क्लास बनाएं, सही है. उससे ये होता है कि आपका जो जो इंटरनल मेमोरी है वो फिर ऑप्टिमाइज हो जाती है. अगर आपके पास क्लास का साइज काफ़ी ज़्यादा है तो वो आपको पता है एग्जैक्टली कि वो ज़्यादा मेमोरी लेगा फिर, तो बेहतर ये कि आप छोटे छोटे कस्टम विजेट्स बनाएं, सही है. और उसको आप डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग से रखें तो बेहतर तरीके का. ओके थैंक यू.
बाकी अगर आप चाहते हैं कि इसको आप एक ही फाइल के अंदर करें तो बिल्कुल आप एग्जैक्टली एक फाइल के अंदर भी कर सकते हैं, सही है। बट दिस इज द ऑप्टिमाइज्ड वे जो कि मैं यूज कर रहा हूँ। ओके, सो फॉर्म कंटेनर तो हमने बना दिया था वहां पर, तो उसको मैं अभी यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। अच्छा, इसको एक चाइल्ड चाइल्ड का विजिट चाहिए होता है, तो इसको मैं चाइल्ड कर देता हूँ, फाइनल चाइल्ड एंड फॉर्म कंटेनर। इसको मैं कर देता हूँ दिस डॉट चाइल्ड, सही है। और इसके चाइल्ड में मैं क्या दूंगा, ये कंटेनर था ना, इसके चाइल्ड में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ चाइल्ड दिस डॉट चाइल्ड, जो चाइल्ड हम इसको पास करेंगे, सही है। सो दिस इज हाउ इट्स गोना वर्क। सॉरी, मेरा पासवर्ड कॉपी करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। सो इसका चाइल्ड सेक्शन बन गया है, अभी मैं क्या करता हूँ, चलिए सही है, अभी इसको मैं दोबारा से देखें, मैं इसको हार्ड रीलोड कर रहा हूँ, तो मेरे पास एग्जैक्टली वो सेम डिजाइन आ रहा है। तो जो बैकग्राउंड का मैंने अभी जो कस्टम कंटेनर बना दिया था, इसके इस कस्टम कंटेनर को मैं मल्टीपल जगह पे यूज कर सकता हूँ। सो ये तो बन गया है, अभी जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने बनाना है, लॉग इन फॉर्म तो बन गया है, एंड देन अभी हमने बनाना है लॉग इन का जो बटन था, सही है। सो यहाँ पर मैं बनाता हूँ लॉग इन बटन। अब ये भी हमें एक कस्टम बनाने बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब हमारे पास जो नॉर्मल बटन्स हैं उसमें हमारे पास ये सेक्शन नहीं होता, उसके अंदर नहीं, हम इसको डाल सकते हैं एक्चुअली, बटन के अंदर डाल सकते हैं। इसको मैं करता हूँ रेज बटन, फर्स्ट ऑन उसका ऑन प्रेस्ड है, इसको मैं जस्ट यहाँ पे अटेंड करता हूँ लॉग इन बटन प्रेस। ओके, सो ये हमारे पास यहाँ पे एक लॉग इन बटन आ जाएगा, सही है। अभी इसका जो चाइल्ड एरिया है, सही है, अब चाइल्ड में इसको क्या करते हैं, चाइल्ड में इसको हम एक रो देंगे, इसमें हमारे पास ये तीनों आइटम्स होंगे। अब देखते हैं कि ये चाइल्ड विजिट लेता भी है रो, हाँ लेता है, ये सही है। बट स्टिल इस विजिट को ये देखें, इस विजिट के लिए, अब इस विजिट में देखें अगर आप लोग, इसमें यहाँ पे देखें इसको कस्टम शेडो मिला हुआ है, सही है, कस्टम शेडो मिला हुआ है, मतलब काफी तरीके इसमें कस्टम है, तो बेहतर ये कि इस बटन को हम दोबारा से कस्टम डिजाइन कर लें, सही है। तो इस वजह से मैं ये रेस्ट बटन यूज करने की वजह से मैं कस्टम कर देता हूँ कि आप कस्टम अपना किस तरह एक कस्टम विजिट बना सकते हैं, कस्टम एक बटन किस तरह बना सकते हैं, सही है। सो इसको मैं करता हूँ कस्टम, सही है। यहाँ पर एक मैं एक और विजिट बनाता हूँ कस्टम, डॉट फाइल कस्टम ब्लू बटन, सही है। और यहाँ पर मैं एक विजिट बनाता हूँ इम्पोर्ट मटेरियल कस्टम विजिट कस्टम ब्लू, सही है। और इस कस्टम ब्लू बटन को मैं यहां पर यूज करता हूं, सही है, कस्टम ब्लू। ओके, सो अब इस कस्टम ब्लू बटन को मैं यहां पर बनाता हूं, ये कंटेनर है, कंटेनर का हम फर्स्ट ऑफ ऑल शेप रखते हैं, तो सही, इसको बॉर्डर रेडियस। सो डेकोरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल इसका चाइल्ड बनाते हैं ताकि आपको चीज़ें ज़रा क्लियर हो जाए, या एनी हाउ इसको कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। इसका कलर हमारे पास क्या है, मेन मेन ब्लू, ब्लू थीम कलर था ना, तो ब्लू थीम कलर दे दिया है इसको मैंने। अगर इसको हमने हाइट एंड विड्थ नहीं दी, तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम हाइट देते हैं थोड़ी सी हाइट, यहाँ पर इस बटन का देखते हैं कि इस बटन की हाइट कितनी है, उसी के मुताबिक करते हैं। 46 हाइट है तो हम यहाँ पे 46 यूज कर लेते हैं, 46
एंड विथ ऑलरेडी ये पूरी विथ ये पूरा लेगा सही है एंड देन इसका बॉर्डर रेडियस है ओके हम जाते हैं डेकोरेशन में बॉक्स डेकोरेशन एंड उसमें कॉल हम ये कलर कॉपी पेस्ट कर लेंगे वहां पर ओके इसके बाद बॉर्डर रेडियस है तो बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर और यहाँ से हम बॉर्डर रेडियस देख सकते हैं कितना कितना बॉर्डर रेडियस को मिला हुआ है सही है यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे 23 बॉर्डर रेडियस है इसको और ऑल साइड में मिला हुआ है सही है सो 23 सही है बटन का डिजाइन तो बन गया है अब हमने करना है इसका जो चाइल्ड एरिया है इसको हमने कुछ वो भी देनी है शेडो बॉक्स शेडो भी देना है इसको सो मैं जो बॉक्स शेडो था फॉर्म कंटेनर से ही डायरेक्टली मैं यहाँ पे जो इंपोर्ट कर देता हूँ उसका मैं जस्ट कलर चेंज कर दूंगा सही है शेडो बॉक्स बॉक्स शेडो एंड वाई box shadow cannot be type assign type list of box shadow okay sorry isko actually list of box shadow chahiye hota hai okay so isko bhi box shadow mil gaya hai but some color change karta hai sahi hai so blue green color lekin wo color kafi zyada dark hai so is wajah se iska blur ओके उसको हम नहीं दे सकते नहीं पैसे सही है हम क्या करते हैं अभी हमने यहाँ पर एक कस्टम कलर यूज करना है सही है कस्टम कलर 0x अब जो ये ओपेसिटी की वैल्यू है ओपेसिटी की वैल्यू हम यहाँ पर अभी यूज करेंगे सही है कलर को ओपैक बनाने के लिए एक मिनट देखते हैं अगर उसका हमारे पास चले यहाँ पर ये कलर उठाते हैं उसको हम ओपैक कर देते हैं opacity की वैल्यू हम रख देते हैं इसको 66 ये देखें हमारा जो कलर था वो थोड़ा सा ओपेक हो गया है अभी सो दिस इज हाउ यू कैन ऐड ओपेसिटी एज वेल ओपेसिटी को हमें थोड़ा ज्यादा करना है तो ओपेसिटी को थोड़ा कम करना है अब ये देखें ओपेसिटी थोड़ी कम हो गई है बट एनी हाउ आई थिंक इसको हम अगर 66 रख दें तो दैट वाज परफेक्ट सही है सो यहाँ पर हमने इस बटन को ओपेसिटी भी थोड़ी सी दे दी है सॉरी बॉक्स शेडो भी इस बटन को मिल गया है जिस तरह यहाँ पर था उसको बॉक्स शेडो मिल गया है अब इसको थोड़ा सा लेफ्ट से भी डाउन करना है क्योंकि यहाँ पर इसको बॉक्स शेडो नहीं चाहिए बल्कि उस साइड पे चाहिए सो यहाँ पर इसको ऑफसेट में हम यहाँ से भी थोड़ा सा ऑफसेट देते हैं 3 सही है वो जो बॉक्स शेडो था उसको हमने लेफ्ट राइट पे शिफ्ट कर दिया है सो बॉक्स शेडो हो गया है बटन हमारा बन गया है अभी हमें जस्ट उसका चाइल्ड ऐड करना है इसमें सो चाइल्ड चाइल्ड में हम एक रो ऐड करेंगे रो एंड रो में हमारे पास होगा एक टेक्स्ट का सेक्शन है टेक्स्ट लॉगिन फॉर टाइमिंग इसको मैं यहां से कर देता हूं फाइनल टेक्स्ट सही है इसको बाद में अंदर उसको चेंज करते हैं डॉलर टेक्स्ट सॉरी चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन के अंदर हम यहाँ पे इसको देते हैं ये टेक्स्ट विजेट सो एक टेक्स्ट का विजेट है इसमें एक हमारे पास जो है ना ये आइकन है सही है ये राउंडेड ये एक आइकन है उसके अंदर हमारे पास ये तो हम क्या करते हैं इसको यहां से डायरेक्टली एक्सपोर्ट करते हैं ये पूरे आइकन को यहां से एक्सपोर्ट करते हैं और वहीं पे इधर एज इमेज यूज करते हैं सही है अभी इसको कस्टम बनाएंगे तो उसमें काफी टाइम लगेगा और शायद उसका डिजाइन भी एग्जैक्टली इस तरह ना हो जिस तरह ये बना हुआ है सही है सो दैट्स व्हाई लेट्स डिजाइन इट ओके इसको मैं यहां से कॉपी करता हूं
इसको रीनेम करते हैं राउंड आइटम, राउंड गो आइटम। ओके सो इसको हम यहाँ पे यूज करते हैं राउंड गो आइटम और ये इमेज आप यहाँ पे डाल दें इसको इमेज डॉट एसेट। सही, तो हम जब वहां पे इमेज यूज करते थे, ओके ये नहीं उठा रहा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। हॉट रिस्टार्ट करते हैं, हॉट रिस्टार्ट से देखते हैं अगर काम हुआ सही है, अगर ना हुआ तो इसको दोबारा से करना पड़ेगा। ओके ये आइकन नहीं उठा रहा तो उसके लिए इसको क्लोज करना पड़ेगा एंड उसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा दोबारा से। सो अनटिल देन जब तक हमारा ये रिस्टार्ट होता है, हम ये टेक्स्ट का जो स्टाइल है ये हम सेट करते हैं। सही है, सो ये टेक्स्ट है हमारे पास। अच्छा ये जो भी फॉन्ट है इस फॉन्ट को हम दोबारा से एडजस्ट नहीं करते हैं, बट फॉन्ट को जो हम हमारे पास यही रखते हैं जो नॉर्मल फॉन्ट होगा। अगर आपने करना है तो इस फॉन्ट को आप तरीका कर आपको मैंने बता दिया है, इस फॉन्ट को आप एड करके इसको यूज कर सकते हैं। सो सो लेट्स जस्ट बोल्ड एंड 12, तो हम यहाँ पे इसको स्टाइल यही पे दे देते हैं क्योंकि ये मल्टीपल जगह पे यूज नहीं हो रहा। तो स्टाइल इसका फोन साइज हम करते हैं इसको 12, फोन वेट इसको हम कर देते हैं फोन वेट डॉट बोल्ड एंड देन कलर इसको करते हैं कलर डॉट ब्लैक, सॉरी कलर डॉट वाइट चलिए। सो आई होप सो कि इसका ये कलर भी ठीक है, हमने इमेज एड कर दी है तो इमेज भी ठीक है। हाइट इसको हम देते हैं, इसका हाइट एंड विड्थ चेक करते हैं ताकि उसी के मुताबिक हम इसको एडजस्ट करें। इसका हाइट है 28 and 28, मतलब अराउंड 29 है, तो इसको रख देते हैं 29 एंड विड्थ 29 रखते हैं इसका। तो यहां तक हमारा ये कस्टम बटन भी बन जाएगा। एंड उसके बाद हमारा तो हमारे पास जस्ट ये रजिस्टर का सेक्शन है, तो अनटिल देन हम अपना रजिस्टर का सेक्शन बनाते हैं। ये पॉप इन रेगुलर है एंड पॉप इन बोल्ड है विथ 4। ओके रेगुलर में 14 है एंड देन तो हम ये भी ये सेक्शन भी बना लेते हैं उस टाइम तक। ओके ओके सॉरी हमने ये पाथ वाला डाला हुआ है, पाथ हमने प्रॉपर नहीं डाला सॉरी। सो पाथ हमने यहाँ से करते हैं, इसका रूट उठाते हैं, हमने यहाँ पे पूरा पाथ नहीं डाला था। सही, तो वो आइकन आ रहा है यहाँ पर और वो टेक्स्ट भी सही आ रहा है। अभी हमने जस्ट यहाँ पे इसका जो डिजाइन है वो सेट करना है। सो यहाँ पे इसको मैं करता हूँ मेन एक्सिस अलाइनमेंट एंड मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट डॉट स्पेस बिटवीन कर दें इसको। सही है, बट हमें स्पेस बिटवीन नहीं चाहिए, अगर आप ये हमें मिडल में चाहिए यहाँ पर। सो उसको मिडल में करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जस्ट एक और कंटेनर एम्प्टी कंटेनर ऐड कर देंगे या आप साइज बॉक्स ऐड कर दें एम्प्टी। सही है, अब मैंने एक एम्प्टी साइज बॉक्स यहाँ पर ऐड कर दी है तो उससे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये बिल्कुल सेंटर हो जाएंगे। तो मतलब एक विजिट यहाँ पे ये साइज बॉक्स हो गया जो कि हमें नजर नहीं आ रहा, दूसरा ये लॉगिन और ये, पर ये जो लॉगिन का जो टेक्स्ट है ये
काफी ज्यादा छोटा लग रहा है मुझे, तो इसको उसका साइज का थोड़ा सा ज्यादा एडजस्ट कर लेता है. सो लेट्स मेक इट 16. नाउ इट्स ओके. अभी इसको थोड़ी सी पेडिंग चाहिए लेफ्ट से बल्कि राइट से, तो इसको हम पेडिंग देते हैं थोड़ी सी. तो ये जो कंटेनर है, ये जो कंटेनर हमने यूज किया हुआ है, इसके अंदर ऑटोमेटिकली पेडिंग होती है ऑलरेडी. सो पेडिंग, तो कंटेनर में आपको पेडिंग देने की जरूरत नहीं होती, सही है. कंटेनर में ऑलरेडी पेडिंग भी होती है और यहाँ पर इसमें मार्जिन भी होता है. सो एज इंसर्ट्स डॉट ओनली, या इसको सिमेट्रिक कर देते हैं, सिमेट्रिक लेफ्ट पे, सिमेट्रिक में हम करते हैं हॉरिजॉन्टल में. हॉरिजॉन्टल में इसको हम देते हैं कितनी स्पेसिंग है, यहाँ पे चेक करते हैं. सो इट्स अराउंड 8.2, तो इसको हम 9 कर देते हैं, सही. तो इसको हम करते हैं 9, सही. तो हमारा जो बटन है वो एग्जैक्टली अभी यहाँ पर हमारे पास आ गया है, तो एग्जैक्टली वो सेम बटन बन गया है. अब इसकी स्पेसिंग एडजस्ट करनी है, तो स्पेसिंग हम एडजस्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बटन बन गया है. अच्छा जी, कस्टम बटन हमने बना दिया है, तो ये जो टेक्स्ट है लॉगिन का, इसको भी हम इसमें डायनेमिक करते हैं. तो ये हम इसमें यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में इसको पास करते हैं, सही है. तो दिस डॉट टेक्स्ट, सही है. एंड यहाँ पर इसको डिनोट करते हैं, सही. सो यहाँ पर इसको हम ये लॉगिन भी पास कर देते हैं. अगर आप इसको ऑप्शन लगाना चाहें तो इसको आप ऑप्शन पैरामीटर भी रख सकते हैं, सही है. तो ये बन गया है. अब हमारे पास रजिस्टर टेक्स्ट का एरिया है, जस्ट ये रजिस्टर टेक्स्ट रह गया है यहाँ पर. सो आप लोग देख लीजिए, हमारे पास दो टेक्स्ट पेजेस डिफरेंट डिफरेंट होंगे, क्योंकि दोनों के जो टेक्स्ट स्टाइल्स हैं वो डिफरेंट है. तो आसान तरीका ये है कि हम दो डिफरेंट टेक्स्ट यूज करें, सही है. तो मैं यहाँ पे एक रो का विजिट यूज करता हूँ, रो चिल्ड्रन. एंड चिल्ड्रन में हम देते हैं टेक्स्ट, ये क्या है, डोंट हैव एन अकाउंट. एंड उसके बाद हमारे पास है दूसरा विजिट टेक्स्ट का, तो इसका क्या है, रजिस्टर. ओके सही है. तो ये हमारे पास टेक्स्ट आ गए हैं. अब अगर हम इनके फॉन्ट्स देखें तो ये हमारे पास एग्जैक्टली बाकी सेम है, पॉपिंस है, बोल्ड है, कलर भी वही है, सही है, जो हमने यहाँ पर इस लोगों के लिए बनाया था, सही है. ये लोगों, ये जो फॉन्ट हमने बनाया था, सही है, तो वो भी सेम है. और जो नीचे का फॉन्ट है वो भी, मतलब यही रेगुलर फॉन्ट है, सही है. तो हम क्या कर सकते हैं, उसी फॉन्ट को यूज करके उसको हम जस्ट साइज पास कर देते हैं, सही है. स्टाइल, एंड स्टाइल में क्या करते हैं, ब्लू, ब्लू बोल्ड ब्लू, ओके टेक्स्ट स्टाइल डॉट कॉपी विद, और कॉपी विद में हम क्या पास करते हैं, इसको जस्ट फॉन्ट साइज पास करते हैं. तो फॉन्ट साइज इसका क्या है, इसका जो फॉन्ट साइज है वो 14 है, इसका भी 14 है, तो दोनों को हम जस्ट 14 साइज फॉन्ट साइज पास कर देते हैं. सॉरी, ये था रेगुलर, सही है. एंड इसको फॉन्ट साइज 14. एंड देन स्टाइल बोल्ड ब्लू टेक्स्ट स्टाइल डॉट कॉपी विथ, एंड यहां पर हम इसको फॉन्ट साइज दे सकते हैं. ये देखें, आपके पास वो एग्जैक्टली सेम आ रहा है, सही है. दूसरा हमने ये करना है, इसको हमने इसकी जो अलाइनमेंट है वो सेंटर कर देंगे, सही है. मेन एक्सिस अलाइनमेंट एंड मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, सही. तो वो भी सेंटर में आ गया. अब इसकी जो वर्टिकल स्पेसिंग है वो एडजस्ट करनी है, तो हम यहाँ से आते हैं, यहाँ पे इसकी वर्टिकल स्पेसिंग एडजस्ट करते हैं. यहाँ पर तो इसको मैंने पेडिंग दी हुई है टॉप पे, जस्ट ये चेक करते हैं कि कितनी स्पेसिंग है, 66 है. सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं एक साइज बॉक्स एड कर देता हूँ, साइज बॉक्स से हमारा काम चल जाएगा, सही है. सो हाउ मच इट वॉज, 66. तो 66 मैंने साइज बॉक्स एड कर दिया है.
एंड इसके बाद लॉगिन फॉर्म के नीचे कितना स्पेस है, बटन के, तो बटन के दरमियान 62 है, तो यहाँ पर भी एक साइज बॉक्स ऐड करते हैं, साइज बॉक्स हाइट 62। एंड देन ये बटन उसके अंदर जो स्पेसिंग है 20 है, तो इसको हम यहाँ पे एक साइज बॉक्स डालते हैं 20। सही है, तो ये हमारा हो गया है, जो मेन लॉगिन स्क्रीन था वो बन गया है। सो दिस वाज आवर स्क्रीन ओवर हियर, एंड नाउ अभी हमने ये स्क्रीन बना दिया है। सो आई होप इट्स क्लियर, और यहाँ तक हमारा जो है ना ये मेन ये सेक्शन हो गया है कवर। सही है, बाकी जो थोड़ी बहुत चीजें हैं वो अभी हम यहाँ पर करते हैं। तो लॉगिन स्क्रीन हमारा यहाँ तक हो गया है कवर। सो आई थिंक वी ऑलरेडी हैव 20 मिनट्स, सो 20 मिनट्स में हमारा ये स्क्रीन भी बन जाएगा। सही है, तो मैं क्या करता हूँ, सो लेट मी डू ओवर हियर, मैं इसी स्क्रीन को कॉपी पेस्ट करके इसको दोबारा से चेंज कर देता हूँ उसके लिए, जो दूसरा है लॉगिन था इसको मैं कॉपी पेस्ट करके साइन अप के लिए चेंज कर देता हूँ, या रजिस्टर स्क्रीन नाम देते हैं उसको, रजिस्टर स्क्रीन, एंड इसको मैं चेंज करता हूँ, फिर यहाँ पर इसको भी मैं रजिस्टर कर देता हूँ, रजिस्टर स्क्रीन। ओके सो ये रजिस्टर स्क्रीन हो गया है, एंड ओके यहाँ पर ये कस्टम हेडर था ना, तो यहाँ पर लॉगिन के बजाय यहाँ पर हमने क्या रखना है, यहाँ पर हमने रजिस्टर करना है। सही, सो रजिस्टर हो गया है, एंड यहाँ पर होम में मैं करता हूँ इसको रजिस्टर स्क्रीन। ओके सो रजिस्टर स्क्रीन है, अभी रजिस्टर स्क्रीन का जो एरियाज हैं वो देखते हैं यहाँ पर। हाँ, इसमें फुल नेम है एक, फादर नेम है, फोन नंबर है, ईमेल है, एंड पासवर्ड है। सो जस्ट हमने इसका जो ये एरिया है रजिस्टर सेक्शन में कुछ छोटा सा एरिया हमें चेंज करना है। सही है, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, फुल नेम, एंड इसको करते हैं फुल नेम। सही, यहाँ पर हम करते हैं लेट सपोज यूजर नेम, फर्स्ट एंड लास्ट। ओके सो फुल नेम आ गया है, एंड उसके बाद क्या है, फुल नेम एंड देन फादर्स नेम, तो यहां पर फादर नेम है ना, तो यहां पर हम कर देते हैं फादर्स नेम। सही, फादर नेम भी हो गया, उसके बाद फोन है, तो फोन में हम क्या करते हैं, जस्ट ये आइकन हमें चेंज करने पड़ेंगे। सही है, बाकी फोन है, एंड यहाँ पर भी हम फोन करते हैं इसको, पर जो भी यहाँ आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सही है, सो फोन आ गया है, एंड उसके बाद ईमेल एंड पासवर्ड है सेम। ओके उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जस्ट हमने ये आइकन ऐड करना है। सही है, ये आइकन आप चेंज कर सकते हैं अपने मर्जी के मुताबिक, इसको आप चेंज कर दें। जस्ट मैं यहाँ पर फोन का चेंज करता हूँ, आइकन्स डॉट फोन। सही है, और बाकी आइकन आप खुद चेंज कर सकते हैं यहाँ से। सही है, अच्छा अब यहाँ पर कुछ एक और चीज है, ये देखें यहाँ पर, अभी ये देखेंगे आप तो बॉटम पे आपके पास ये आ रहा है,
Sorry, let me attend the call first. Okay. So, अब ये जो सेक्शन है ये हम यहाँ पर देखिए ओवरफ्लो हो रहा है, सही है, ये ओवरफ्लो का इशू आता है इसमें। तो इस अक्सर जो फॉर्म फील्ड्स होते हैं इसमें ओवरफ्लो का इशू आता है, तो इस ओवरफ्लो को इशू को रिजॉल्व करने के लिए आप क्या करें, आप ये जो मेन स्केफोल्ड है उसको आप रैप कर लें एक विजिट के अंदर, इसको हम बोलते हैं सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। तो उससे ये होता है कि आपका जो स्क्रीन है वो ओके सॉरी कंट्रोल जी, आपका जो बॉडी एरिया है ना, बॉडी एरिया वेयर बॉडी, ये बॉडी एरिया, इसको आप स्क्रॉल कर दें उसके अंदर सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू के अंदर। सही है, अभी मैं जब यहां पे टाइप करूंगा तो मेरा स्क्रीन जो है ना वो ओवरफ्लो नहीं होगा, सही है, उससे क्या होगा ये जस्ट ऊपर स्क्रॉल होगा, सही है, स्क्रॉल स्क्रॉलेबल हो जाएगी ये स्क्रीन, सही। सो जब ये मसला आता है तो आप इसको इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें जस्ट एक और बात है जो मैं बताना चाहता हूँ, इसमें टेक्स्ट इनपुट टाइप है, टेक्स्ट सॉरी ये मेरा ख्याल तो यहाँ पर इनपुट डेकोरेशन में होता है, सॉरी कीबोर्ड, एक मिनट लेट मी चेक इट आउट, वेयर इट इज, डेकोरेशन में है आई थिंक, ओके देखना पड़ेगा इसको, इनपुट कीबोर्ड टाइप, अच्छा इसमें एक हमारे पास एक ऑप्शन है कीबोर्ड टाइप का, तो कीबोर्ड टाइप, हाँ तो मतलब आप जब मैं इस पे जब क्लिक करता हूँ तो मुझे नीचे जो कीबोर्ड होगा वो कौन सा शो होगा, सही है, मुझे टेक्स्ट का कीबोर्ड शो होगा तो उसको भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, सही है। सो यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे आपने जस्ट डिफाइन करना है इनपुट टाइप, टेक्स्ट इनपुट टाइप डॉट, अब इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, फोन है, टेक्स्ट है, नेम है, नंबर है, डेट है, ईमेल है, ईमेल एड्रेस, मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसको आप कर सकते हैं, सही है। सो राइट नाउ मैं जस्ट नेम एंटर कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे नेम कर सकते हैं इसको, बाकी आप सिंपल रख सकते हैं सेम, जस्ट हमें चेंज करना पड़ेगा उसके लिए, जो हमारे पास कॉन्टेक्ट नंबर है ना उसके लिए हमें चेंज करना पड़ेगा फोन के लिए, सही है। तो मैं जस्ट फोन का जो सेक्शन है उसमें कीबोर्ड टाइप चेंज करता हूँ, सही है, कीबोर्ड टाइप, तो दिस इज टेक्स्ट इनपुट टाइप डॉट फोन। तो अभी जब मैं दोबारा फोन पे आता हूँ तो मुझे यहाँ पर ये फोन का कीबोर्ड शो होगा, सही है, जहाँ से आप इजीली मतलब फोन नंबर टाइप कर सकते हैं, एंड ईमेल के लिए मतलब जस्ट हमें सेम चाहिए, उसमें कोई मसला नहीं है, पासवर्ड का सेक्शन भी वो अपस्किल्ड हो गया है, सही है, बाकी हमारा ये रजिस्टर का सेक्शन हो गया है, सही, जस्ट हमने ये लॉग इन का बटन चेंज करना है टू रजिस्टर, रजिस्टर स्क्रीन था, सो लॉग इन का बटन ये था रजिस्टर, इसको हम चेंज करके रजिस्टर कर देंगे, सही। सो ये लॉग इन का बटन हमने चेंज कर दिया है रजिस्टर तक, सो दैट्स हाउ दिस इज आवर डिजाइन इज, इसमें जस्ट ये एक सेक्शन रह गया है ये वाला, चलें ये हम बाद में ऐड कर देंगे, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो ये चलो इसको भी ऐड कर देते हैं, राइट नाउ इसको नहीं छोड़ते हैं, इसको छोड़ देते हैं ये ब्लू कलर को, जस्ट यहाँ पे एक टेक्स्ट का वीडियो ऐड करते हैं ताकि हमारे पास ये डिज़ाइन कम्प्लीटली फुल फाइनल हो जाए। रजिस्टर बटन है एंड इसमें ये रजिस्टर का सेक्शन नहीं होगा, ये वाला सेक्शन जो है, मैं जस्ट ये एक टेक्स्ट बताता हूँ यहाँ से, तो लॉगिन बटन से ऊपर हमारे पास जस्ट एक टेक्स्ट विजेट है, सही है, तो आपके पास ये टेक्स्ट आ रहा है और उसी तरह, बट
अब इसका ये देख लें, अगर आप लोग ये सेंटर अलाइन है वो बिल्कुल वो सेंटर अलाइन नहीं है, सही है। तो हम क्या करते हैं, इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं। बाकी इसका जो टाइप है, कलर जो है वो 12 है, तो इसका भी मैं यहाँ भी इसको भी कलर कर देता हूँ फॉन्ट साइज को, सही है। उसको हमने ब्लैक 12 कर दिया है। टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट में हमारे पास एक फील्ड होता है अलाइन का, टेक्स्ट अलाइन का, सही है। तो टेक्स्ट अलाइन डॉट सेंटर, ये टेक्स्ट ऑटोमेटिकली सेंटर अलाइन हो जाएगा, सही है। सो अंटिल नाउ आवर डिजाइन इज रेडी फॉर नाउ। जो काम अभी हमने डिस्कस करना था वो हो चुका है। जस्ट इसको थोड़ी सी स्पेसिंग देते हैं यहाँ से, साइज बॉक्स हाइट इसको देते हैं, लेट्स सपोज आई थिंक इट शुड बी इनफ, सही है। सो ये हो गया हमारा आज का जो डिजाइन था मोस्टली वो हो चुका है। ये स्पेसिंग थोड़ी कम है, इसको 36 करते हैं, ये स्पेसिंग जो है इसको करते हैं 36, सही है। सो आज का जो हमारा मेन डिजाइन था वो हो चुका है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हमने डिस्कस करना होगा ये वाला, जैसे हम ये प्रोफाइल यूआई बनाएंगे, ये जो प्रोफाइल यूआई है एंड इट्स रियली इजी, क्योंकि हम मोस्टली काम कर चुके हैं इस यूआई में। जो जनरल डिस्कस करने का काम था वो हो चुका है, हम ये यूआई बनाएंगे। उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन होगा वो होगा राउटिंग का। राउटिंग आज के प्लान में था बट अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो राउटिंग हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट हमने जो बेसिक सीन्स थे वो बना लिए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई एम होपफुल कि आज का सेशन डिजाइन वाइज हमने काफी काम किया है डिजाइन में, तो आई एम होपफुल कि देयर वाज समथिंग यू लर्न फ्रॉम दिस थिंग। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन मोस्ट वेलकम। लेट मी सी यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। यूजर आइकन सही है, द साइज बॉक्स इज अ स्पेसर, बिल्कुल एग्जैक्टली आप साइज बॉक्स को एज अ स्पेसर यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ये स्पेसर है। मतलब इसको आप डिफाइन करते हैं कि ये आपको हाइट चाहिए या विड्थ चाहिए, तो उसी के मुताबिक आपको स्पेस देता है, सही है। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे सेशन। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन जस्ट लेट मी नाउ, और अदरवाइज यू कैन जस्ट सेंड योर इश्यूज टू द स्लैक ग्रुप, or you can just post to the Google Classroom as well. So that's all for today's session. I hope it was beneficial for you as well, and you learned something new in this session. So with the ending note, let's meet in the next session tomorrow, inshallah, and see you soon. Thank you.